गुड इवनिंग। आज हम लोग वो सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम वैसे तो ESSM है, बट तुम लोग अजीब 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 गरीब भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें सुनकर तुम लोग यहाँ बैठ रहे हो, हाँ या ना? बहुत कुछ तुम लोग सुन के आए हो फिर ही यहाँ बैठ रहे हो, यस और नो जल्दी बोलो। हाँ, और वो सब सच है, वो सब एकदम सच है, ठीक है? तो विद दैट, मतलब ये मजाक का चीज था, आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, 100 मार्क्स का चीज है ESSM। वैसे तो देखो बहुत बड़ा बड़ा चीज बोलने के लिए है, ये प्रैक्टिकल सिनारियो में बहुत काम का चीज है वगैरह वगैरह, वो प्रैक्टिकल लाइफ का चीज अलग चलता है। एकदम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव बात करते हैं, तुम लोग को देना एक एग्जाम May 23 में, फिलहाल May 23 में, May 23 में एग्जाम देना है, 100 नंबर का ये पेपर है, तो 100 नंबर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, करेक्ट? कहां कहां प्रैक्टिकल सिनारियों में भी लगता है, ऑब्वियसली तभी पढ़ रहे हैं, पर कैसे कैसे लगता है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा बड़ा बात नहीं करते कि हाँ प्रैक्टिकली बहुत काम का चीज है, वो सब सुन के ज्ञान लगेगा, ठीक है? एक स्टूडेंट माइंडसेट यही बोलता है 100 नंबर के लिए अपने को बैठना है, उतना इंपॉर्टेंस है, डन? तो बस वो 100 मार्क्स का इंपॉर्टेंस का बात करते हैं, और बाकी हम लोग जब पढ़ेंगे तो एकदम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बेबी बेबी एग्जांपल्स के साथ ही पढ़ेंगे, जिसे तुम लोग डेली लाइफ में रिलेट करेगा, एग्जांपल आज ही देख लेंगे, डन है? अब तुम लोग के दिमाग में जस्ट बिफोर स्टार्टिंग एक क्वेश्चन का मेरे को आंसर देना है, जो मेरे को पता है तुम लोग के दिमाग में आ रहा है कि पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दे, अरे तुम लोग बता दो पहले, पेपर पैटर्न का डिस्कशन करें या डायरेक्टली हम थोड़ा चीज बताने लग जाए, एक बैकग्राउंड सेट कर ले, ठीक है? तो हम सबसे पहले एक पेपर पैटर्न बताते हैं। देखो सबके पास दो बुक होना चाहिए, एक ईएस का बुक होगा, एक एसएम का बुक होगा, करेक्ट? दो ही बुक से अपने को पढ़ना है, ना कोई और रिविजन चार्ट है, ना कोई और समरी बुक है, कुछ नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा ये भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बस ये दो बुक को आज से लेके एग्जाम, लगभग तुम लोग एग्जाम 16 मई के आसपास होगा, 2 मई से शुरू हो रहा है, 16-17 मई को होगा, उस दिन तक यही बुक को फॉलो करना, और क्यों फॉलो करना अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है? पहला। दूसरा, स्टडी मार्ट तो भूल से भी मत खोल लेना, जिस दिन खोल लिया उस दिन टर्म डेफर हो जाएगा, तो सोचना भी मत खोलने का, ठीक है? हम ESSM का बात कर रहे हैं, ये मत बोल देना आप बोले तो स्टडी मार्ट नहीं खोलना, हम लोग किसी का भी नहीं खोले, हम खाली ESSM का बात कर रहे हैं, मत खोलना साइड। जो जो मेहनत करना था स्टडी मार्ट को देके वो हम कर चुका है, जितना जितना भी कंटेंट को समराइज करना था, पॉइंट फॉर्म में देना था, वो सब मेरा किया हुआ है, तो वो एफर्ट तुम लोग मत देना, ठीक है? तो उतना ट्रस्ट मेरे पे डाल लो, किया हुआ सब कुछ है, चाहो तो बैठ के कंपेयर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सब डन है। तो बस ये दो बुक को हम लोग आज से लेके लास्ट डे तक रेफर करेंगे, और ट्रस्ट मी ये दो बुक ही अगर तुम लोग रेफर करेगा ना, वो रिजल्ट लाएगा। क्यों लाएगा हम सब बताते हैं, डन। तीसरा, अगर पेपर पैटर्न के हिसाब से चले, ये इधर ही हम बता देता है, देखो ये है पेपर 100 नंबर का, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। इसमें ईएस है तुम लोग को पता है कितना? बोलो बोलो, अरे थोड़ा बोलते हुए चलो ना, 50, परफेक्ट, 60 नहीं है, 50। और SM है 50, क्या 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 बहुत कम है, इन लोग को बहुत कम लग रहा है, अच्छा ठीक है बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, वैसे तो 60 है, 50 तो ऑप्शन हटा के आ जाता है, हाँ ठीक है। अब तुम लोगों को पता है ये पेपर में ऑब्जेक्टिव्स भी आता है MCQ ड्रिवन, तो ES में 15 मार्क्स MCQs आता है, और सेम SM में, अरे सेम SM में 15 मार्क्स MCQs आता है, टोटल कर सकते हैं 15 प्लस 15, कितना हुआ 30, हाँ, तो 30 मार्क्स अपना ऑब्जेक्टिव रहा, 30 मार्क्स MCQs यानी ऑब्जेक्टिव, करेक्ट? अपना टारगेट होगा, टारगेट बेस्ड काम करते हैं, आज के दिन टारगेट सेट करते हैं, जो जिसको रैंक लाने उसके लिए भी, जिसको पास होना है उसके लिए भी, टारगेट बराबर, ठीक है? ये 30 में से अपना टारगेट होगा 28 प्लस, 30 हम बोलना नहीं चाहते, वो थोड़ा ज्यादा हाई लेवल लगेगा, 28 प्लस, और ट्रस्ट मी आ जाएगा, मतलब ये टर्म आफ्टर टर्म मेरे को रीअश्योरेंस मिल चुका है कि हाँ 28 प्लस MCQs में आ सकता है। हम ICA का चेकिंग का बात नहीं कर रहे हैं, वो चीज का हम गारंटी नहीं ले सकते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं जो सही आंसर होना चाहिए उसका, 28 आउट ऑफ 30, डन। तो बोलो और कितना चाहिए तुम लोग को? 13, अच्छा मतलब 41 करने के लिए, नहीं यार इतना भी मत गिरा दो, चलो देखो
तो बोलो 50 में 15 गए एमसीक्यू, रिमेनिंग 35. 35 आ जाता है डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव माने रिटन. चलेगा? यहां पे तुम लोग को थोड़ा अब दिक्कत होने लग गया ना, जो इतना देर से मुस्कुराते हुए बोल रहा था सब स्ट्रेट फेस हो गया. सिमिलरली इधर भी 35 आएगा डिस्क्रिप्टिव. तो बोलो 35 35. वाह, इसमें भी बहुत जन चुप थे. ट्रस्ट इश्यूज, इसमें मैच स्ट्रॉन्ग वाला बात आ गया. कोई बात नहीं, होता है. ठीक है, डन है. तो 30 मार्क्स का पेपर अपना ऑब्जेक्टिव है. 15 ईएस आएगा, 15 एसएमएस आएगा. वो कैसे आएगा, क्या नहीं होगा, किस टाइप का क्वेश्चन होगा, वो सब अपने बीच में देखेंगे. 70 मार्क्स है अपना रिटेन. अपने को कवर करना है ये दोनों 100 मार्क्स के लिए. करेक्ट. और बहुत इजी टारगेट का अगर हम बात करें ना, एग्जम्पशन बहुत इजी है इस सब्जेक्ट में. बस वो तरीका होना चाहिए पढ़ने का. इसलिए बोल रहा जो तुम लोग सुन के आए वो बहुत सही है, वो एकदम सच है. पर कुछ कुछ चीजें जो तुम लोग एक दो चैप्टर करने के बाद ही रियलाइज कर लेगा कि ये सब्जेक्ट को मैनेज करना उतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ये एक लौता सब्जेक्ट है तुम लोग के आठों सब्जेक्ट में जो कभी पेपर वाइज क्वेश्चन वाइज यूनानिमस ओपिनियन नहीं होगा. जो तुम लोग अभी सुना होगा, ग्रुप वन में टैक्स गया और ग्रुप टू में ऑडिट. इस बार नहीं था, एफएम था, गया. सुना होगा यूनानिमसली. ईएसएसएम कभी भी यूनानिमस नहीं चलता है. वो डिफिकल्ट भी है, वो इजी भी है. कि पेपर एकदम डायरेक्ट आएगा, डिफिकल्ट लगेगा उन लोग के लिए जो बुक दो दिन पहले खोले, और इजी लगेगा जैसे तुम लोग के लिए. सपोज कि तुम लोग के लिए, एज इन अज्यूमिंग कि तुम लोग आज से पढ़ रहा है, अब आज से आने लग गया एटलीस्ट. चलेगा? नेक्स्ट, ये अपना 100 नंबर का बात हुआ. पेपर वाइज ठीक है, इजी है, लॉलीपॉप सा पेपर आता है, सब एक एक करके डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस सब्जेक्ट का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस अपने लिए. जिंदगी वाला इंपॉर्टेंस छोड़ दो, उससे तुम लोग कोई मतलब नहीं आज के दिन. एग्जाम वाइज तुम लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम तुम लोग को एक बार अपना मार्कशीट दिखा रहे खाली. ठीक है, और ज्यादा कुछ मत देखना, बहुत ही एवरेज है. बस दो सब्जेक्ट पे मेरे को फोकस कराना है. देखो, छोड़ो, ये देखो, हम लोग के टाइम में 7 सब्जेक्ट होता था, 7 सब्जेक्ट. जब आईपीसीसी था ना, इसके पहले, उस समय नवंबर 2015 आईपीसीसी वाला टर्म था, उसमें अगर तुम लोग मार्क्स देखिए बहुत एवरेज है. ठीक है, बहुत एवरेज है. खाली 3 सब्जेक्ट है जो मेरा अबव एवरेज है. देखो, सबसे पहला अकाउंट्स, कितना दिख रहा है अकाउंट्स में, 76. बोलो क्या है? अरे मतलब अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में 70 ठीक है, थोड़ा अबव एवरेज बोल सकता है, पर कोई बहुत ग्रेट वाला बात नहीं है. मतलब ऐसा नहीं बोलेगा कि रैंक लाने के लिए ये काफी है, वैसा नहीं होगा. करेक्ट, तो ये हटा देते हैं. नेक्स्ट तुम लोग देखिएगा लॉ 60 ठीक है, लॉ सभी पढ़ते हैं, लॉ अकाउंट सभी पढ़ते हैं, तो 76 60 आ जाएगा. ऐसा कोई अजूबा वाला बात नहीं है. डन? नहीं नहीं, अभी तुम जेन्युइनली बोल रहे हैं, कुछ भी बड़ा बात नहीं कर रहा है, कुछ भी बड़ा बात नहीं कर रहा है, एकदम जेन्युइन बात कर रहा है. लॉ और अकाउंट्स सब पढ़ते ये आ जाएगा. तुम लोग भी रियलाइज करेगा अभी, अरे अभी तो तुम लोग पढ़ रहा है ना, जब पढ़ रहे होते तो हम लोग को डर ज्यादा लगता है, पर रियलिटी यही है. थर्ड अगर देखो, कॉस्ट. हाँ, इसमें मेरा थोड़ा अबव एवरेज मार्क्स है. ठीक है, कॉस्ट में है 85, ये अबव एवरेज है, ये एवरेज नहीं है. नेक्स्ट, तो चलो ये कंट्रीब्यूट किया होगा रैंक लाने में, अग्रीड. नेक्स्ट, टैक्स 68, क्या बोलेगा, छोड़ो, तुम लोग बोलेगा एक्सेप्शनल मार्क्स है, हटाओ. ये नॉर्मल होता था उस समय, नॉर्मल होता था. हाँ, अभी का कुछ बोल नहीं सकते, अभी वाला आने दो, फिर पता चलेगा. नेक्स्ट, सुनो ना, वो सब हटाओ, फोकस नहीं करते. एडवांस्ड अकाउंटिंग, इसमें 65, अगेन एवरेज. अग्रीड, एवरेज. अब नेक्स्ट दोनों देखो, ये दोनों थोड़ा सा नजर डाल लो. एक है पेपर 6 ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, मतलब ये हम लोग के टाइम वाला पेपर 6 है. ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस इसमें है 74, हक से बहुत अच्छा मार्क्स है. नेक्स्ट, ITSM, उस समय ITSM होता था, जो अभी ESSM रख दिया है. थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज, अल्टीमेटली वही है, कुछ अलग नहीं हुआ है, सिलेबस बढ़ाई है. ठीक है, तो ये है 73. बोलो, सिर्फ ऑडिट और ESSM पे फोकस करो, बाकी छोड़ दो. कैसा है मार्क्स?
नहीं नहीं मेरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए, हम तुम लोग को कुछ चीज रियलाइज कराना चाह रहे हैं। कैसा है टोटल कर सकते हैं? 289 प्लस 212 501, इतना क्या सोच रहा है? 501 आउट ऑफ 700, उस समय 700 था, इसमें आया था मेरा 10th, ठीक है। अब अगर हम लोग को बहुत सिंपल नंबर्स में कैलकुलेशन बताए, बहुत सिंपल नंबर्स, कितना लोग से तुम लोग अकाउंट्स में 76 सुन लेगा, लॉ में 60 सुन लेगा, टैक्स में 68, चलो नहीं सुनेगा अभी के बेसिस पे बोले, एडवांस अकाउंट में 65 सुन लेगा, कॉस्ट चलो एक अच्छा आया 85, बाकी दोनों का सिर्फ बात करें ऑडिट और आईटीएसएम 74 73, ठीक है, कितना लोग से मार्क्स सुन लेगा दो लोग का मिला के? ये अच्छा आंसर था। अब बताओ ऑडिट का या ईएसएसएम का, दोनों का ही बात करते हैं साथ में, एवरेज मार्क्स क्या चलेगा? 40 से 50, अग्रीड। 45 मान लेते हैं एवरेज, 45 दोनों में एवरेज है, 74 माइनस 45 करेक्ट, 30 मान लेते हैं, इधर 73 माइनस 49 28, 45 28, तो उधर 30 इधर 30, दो तीन नंबर कम, 60 राउंड फिगर करेक्ट, 60 राउंड फिगर। और वैसे तुम लोग 45 जो चीख के एवरेज बोल दिया, ये बार सोच के देखो, मतलब 50% लोग पास हो रहे हैं, 45 जो तुम लोग मस्त एकदम एवरेज बोला है, एवरेज मतलब क्या, नॉर्मली 45 आ रहा है, तो इस हिसाब से तो रिजल्ट 50% के ऊपर होना चाहिए, पर वैसा नहीं है, तो एवरेज 30s में चला जाएगा, तो एवरेज का बात नहीं करते हैं, 45 ही ले लो, तो भी लो 60 मार्क्स दोनों मिला के ज्यादा है, है ना। अब सिंपली 700 के बेसिस पे 60 मार्क्स को ले लो, परसेंटेज निकालना आता है, कितना परसेंट हो रहा है? 7 to 8 के बीच में आ रहा है, उतना परसेंट का डिफरेंस सिर्फ ये दो सब्जेक्ट मिला के क्रिएट कर दिया। थर्ड रैंक था 10, कुल मिला के कितना मिलता है? 50। और तुम लोगों को ये तो पता है हर एक नंबर पे रैंक आ जाता है ऑलमोस्ट, मतलब ऐसा नहीं होगा 5 नंबर ज्यादा आएगा तो रैंक जंप होगा, हर एक नंबर पे रैंक आ जाता है। और मेरा इससे 60 मार्क्स माइनस कर दो तो क्या होगा? गया, डन, समझ रहे ना। तो मेरा उस समय का फोकस ही था ये दो सब्जेक्ट, बहुत फैक्ट ऑफ द मैटर तुम लोगों को बता रहे, अकाउंट्स हर कोई पढ़ेगा, तुम लोग भी पढ़ रहे हैं, हर कोई पढ़ रहा है, किसी से कभी ये नहीं सुनेगा एग्जाम हॉल में शिट यार अकाउंट में हम ये चैप्टर छोड़ के आ गया, या ये चैप्टर कभी पढ़ा ही नहीं है। लॉ हर कोई पढ़ेगा कि ये सब टाइम से स्टार्ट हो जाता है और इन सब के साथ इंटरेस्टिंग टैग जुड़ा है, बहुत प्रैक्टिकली ओरिएंटेड है, हम लोग डेली लाइफ में यूज भी करते हैं, आगे बहुत ज्यादा काम आता है, तो ये सब चीज इनके साथ जुड़ा है, वो फैक्ट है, एकदम फैक्ट है, हम भी एज अ स्टूडेंट यही सोचता था करेक्ट। कॉस्ट हर कोई पढ़ते है, बहुत इंटरेस्टिंग है, टैक्स जान लगा के पढ़ते हैं हम लोग और डेली पढ़ते हैं करेक्ट, सेम विथ एडवांस अकाउंट्स, कुल मिला के नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट क्या है, और ये बहुत फैक्ट है, मतलब इसमें हम कुछ अजूबा चीज नहीं बोल रहे, तुम लोग जानते हैं। बोलो ये दो सब्जेक्ट का क्या नेग्लेक्ट? नेग्लेक्ट ना, नेग्लेक्ट हो रहा है, तो मतलब जब हर कोई 6 सब्जेक्ट पे फोकस कर रहा है हर कोई, तो वो दो सब्जेक्ट गया, और 800 के बेसिस पे 200 मार्क्स, परसेंटेज बोलो 25%, 25% ऑफ द सिलेबस थोड़ा नेग्लेक्टेड कैटेगरी में आ रहा है। और तुम लोग किसी का भी मार्कशीट उठा के देख लो, किसी का भी यूनानिमस, जो दो जगह तुम लोग को ब्लॉक्स दिखेगा, ब्लॉक्स माने ऑब्स्टेकल, यानी बॉटलनेक, सुना है बॉटलनेक? बॉटलनेक जो दिखेगा वो ये दोनों ही सब्जेक्ट होगा। मैक्सिमम के केस में अगर पास फेल वाला फर्क आ रहा है, इन दोनों में कोई है स्पेशली, अगर मतलब कोई अगर ग्रुप वन ही दे रहा है तो ये क्वेश्चन नहीं आता है ऑब्वियसली, यहां पे ग्रुप टू या बोथ ग्रुप का ही बात हो रहा है, तो मैक्सिमम केस में ये दोनों सब्जेक्ट एक बॉटलनेक बन के खड़ा हो जाता है, और वो बहुत नॉर्मल बात है। तो हम इसलिए कोई बड़ा बात भी यहां नहीं कर रहे कि तुम लोग को ईएसएसएम डेली पढ़ना है, यही जान बचाएगा, यही पास और फेल का डिफरेंस करेगा, नहीं वैसा कुछ नहीं है। मेरा बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एज अ स्टूडेंट जब हम था ये हम अपने ऊपर पहली बार टेस्ट किया और वो बहुत ही सक्सेसफुल रिजल्ट देखे गया, और वही चीज हम आगे टर्म आफ्टर टर्म ये बोल रहा है। इसी के साथ हम एक क्वेश्चन, इसके बाद एक तुम लोग का एक क्वेश्चन मन में आया होगा कि हम ईएसएसएम क्यों पढ़ा रहे हैं, सच्ची बोलना किसके मन, कितनों के मन में आया था ये, या अभी आ गया मेरे बोलने से,
आया होगा ये, मेरे को बहुत जन ये चीज बोले, तो अब हम बताएगा कि ये सब्जेक्ट क्यों, करेक्ट। उससे पहले तो ये जो दो सब्जेक्ट है ना ये नेग्लेक्ट हो जाता है, तो बस मैं छोटा सा इतना सा रिक्वेस्ट है, बहुत नॉर्मल बात कर रहा है कि बस ये सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट मत करो। हम ये नहीं बोलेगा कि डेली पढ़ो और एकदम रट्टा मारो, कुछ नहीं करना है, बस नेग्लेक्ट मत करो, उतना ही बात है, करेक्ट। अगर दोनों ग्रुप देने का प्लान है, मान लो ग्रुप टू देने का प्लान है, तो बस नेग्लेक्ट मत करो, डन। कि अल्टीमेटली 100 नंबर का पेपर ये भी है, 100 नंबर का पेपर ये भी है, टैक्स हम लोग डेली 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 कितना ही पढ़ ले, अल्टीमेटली 120 तो नहीं आ जाएगा ना उसमें, करेक्ट। बात समझ में आ रहा है, लॉजिकल एकदम। अब यही रीजन है जो अब तुम लोग जब ESSM का बात करता है तो मन में क्या आता है, मतलब हम बता रहे हैं कि ये दो सब्जेक्ट नेग्लेक्ट होने के पीछे रीजन, तो एक तुम लोग चेन ड्रॉ करने लगेगा। जब कभी ESSM ये ऑडिट का बात हो गया, तुम लोग के मन में क्या आएगा पहले, थ्योरी बोरिंग, कुछ है ही नहीं इसमें, आगे कभी काम ही नहीं आएगा, कैसे पढ़े बताइए, ये सब हाँ या ना, सच्ची बोलो, करेक्ट। अब ये रीजन के कारण 95% लोग ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, या टालते रहते हैं, प्रोकेस्टिनेशन वो टलता जाएगा और इतना टल जाएगा कि अब एग्जाम सर पे आ गया, अब चांस नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तब जाके ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, हो रहा है। इसीलिए ये सब्जेक्ट में फास्ट ट्रैक इतना हिट है, क्योंकि लास्ट मिनट के ऑप्शन ही नहीं बचता है, अब पढ़ना तो है, लास्ट शुरू में बहुत सारा होगा, बाद में कर लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट ही तो है, लास्ट मिनट के जब बुक खोलते हो उत्तरी क्या है, और उस समय रेगुलर कोर्स का टाइम नहीं बचा, तो इससे फास्ट ट्रैक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है उस समय, मतलब ठीक है वो सब बहुत अच्छा चीज है, होने को उस समय भी मैनेज हो जाएगा, पर अगर तुम लोग अभी से कर रहे हैं ना, जो कंफर्ट लेवल फरवरी में जब हम लोग का बैच खत्म रहेगा, जो कंफर्ट लेवल फरवरी में अचीव करेगा ना, वो एकदम अनपैरेलल्ड रहेगा। और हम तुम लोग को बता देते हैं, जो ओवरऑल कॉन्फिडेंस होता है ना जिससे अपने एग्जाम में बैठते हैं, वो ओवरऑल कॉन्फिडेंस के लिए ये दो सब्जेक्ट काम आता है। चलो तो हाँ, हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, हाँ अल्टीमेटली है ये दो सब्जेक्ट। अब कितना भी हम लोग टैक्स अकाउंट्स लॉ ये सब पढ़ ले, एग्जाम में कभी कोई ये नहीं देखेगा अकाउंट्स नहीं पढ़ के, लॉ नहीं पढ़ के, ऐसा कुछ। हमेशा यही जब तुम लोग ESSM का एग्जाम देखने जाएगा, सुनेगा अच्छा हम ये चैप्टर छोड़ दिया, ये चैप्टर तो कभी पढ़ा ही नहीं था, ये वो, ये सब ESSM और ऑडिट में सबसे ज्यादा सुनने को मिलेगा। और वो क्यों, वो सिंपल सा उसका आंसर है प्रोकेस्टिनेशन। हम लोग शुरू में ये दोनों सब्जेक्ट को एकदम नेग्लेक्ट कर देते हैं, और एकदम नॉर्मल एज अ स्टूडेंट हम भी यही किया था, तो ऐसा नहीं है कि तुम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, तुम लोग भी वही कर रहे हैं जो तुम लोग का शायद सीनियर्स बोला होगा या जो सुनते हुए आ रहा है, वही हम लोग नॉर्मली एक टेंडेंसी होता है फॉलो करते हैं, करेक्ट। इसका ड्रॉबैक ये हो जाता है कि लास्ट में जाके इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना ये दोनों सब्जेक्ट। अब अगर थ्योरी है तो टालते जाएगा तो उस समय भी थ्योरी ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि उस समय इसमें कोई परिवर्तन ही आ जाएगा, उस समय भी थ्योरी रहेगा, और सोच के देखो सर पे एग्जाम का प्रेशर और थ्योरी पढ़ना है, तो उस समय थोड़ा सा क्रैकडाउन मोमेंट्स आने लगेगा, नर्वसनेस और बढ़ने लगेगा, समझ आ रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक इतना ही, बस कुछ नहीं करना है, तुम लोग डेली अपना मुंह उठा के इधर आ जाना, बाकी का काम मेरे को करना है, बुक लेके आ जाना, बाकी का काम मेरे को करना है। जितने लोग लाइव ऑनलाइन बैठे हैं, बस एकदम मुंह उठा के लैपटॉप चला के फोन के सामने बैठ जाना, बाकी का काम मेरे को करना है, करेक्ट। और जितने लोग बाद में गूगल ड्राइव में करेंगे, इज्जत से एवरीडे एक एक देख लेना, बस। और हाँ, 1.2 में ऐसे भी तुम लोग मेरा 1.5 में देख नहीं पाएगा, हम फास्ट बोलते हैं, करेक्ट। हाँ, हो क्यों नहीं जाएगा, पर वैसा नहीं लगेगा कि मतलब कुछ, अगर 1.5 में 2 पे देख लिया तो पक्का 2-4 वर्ड तो बीच में गायब होना ही है। अब मतलब जुगाड़ में तो सब होता ही है, वो तो है, डन है। तो समझ में आया, स्टूडेंट के लिए ये दोनों सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस, करेक्ट। प्रैक्टिकल सिनेरियो का तो हम बात भी नहीं करने वाला अभी, डन। तो बस थोड़ा सा इसको टाइम देना है, ज्यादा कुछ नहीं, तुम लोगों को घर पे कुछ नहीं करना है, सारा काम हम यहीं पे ध्यान रख लेगा, किस तरह से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे एक बार वो देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी आ रहा है सब्जेक्ट को लेके, और तब हम बताएगा जितना भी तुम लोग ये चीज सुना है ना, ये चीज जो सुना है कि ये हवा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, एक्सेट्रा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा, देन है। और लास्ट में जाके जब तुम लोग का सीवियर आएगा ना, पता चलेगा वो यही सब्जेक्ट आ रहे हैं,
क्योंकि ईएसएसएम एक लौता सब्जेक्ट है जो पेपर बुक के अंदर से ही आना है, गारंटी। कोई भी सब्जेक्ट में कहीं से भी कुछ भी आ जाता है, मतलब तुम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि एक एक चीज बुक से ही होगा। पर ईएसएसएम में एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जो हर चीज बुक के अंदर से ही आना है। ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट क्या होगा, कोई घुस के कोई छोटा सा टॉपिक पूछ लेगा, बस वो हो जाता है पेपर डिफिकल्ट। और इजी क्या होगा, हाँ ऊपर ऊपर वाला टॉपिक पूछ लिया, वो हो गया पेपर इजी। पर होगा सबका सब बुक से ही, तो अगर बुक पढ़ लिया तो एकदम थ्रू है, बस इतना ही बात है। डन। और बाकी ज्ञान नहीं बात करते हैं, एक एक चीज हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से अपने को करना है। उत्तर उत्तर चीज ध्यान रख के थ्योरी का कोई भी सब्जेक्ट तुम लोग पढ़ लेगा ना तो सीए इंटर ट्रस्ट मी बहुत सिंपल हो जाता है। करेक्ट। इसीलिए हम यूएसएसएम जैसे सब्जेक्ट को लिया है कि अल्टीमेटली अपने को, तुम लोग अगर देखेगा थ्योरी है 350, प्रैक्टिकल है 350, थोड़ा वे करके देखो दोनों बराबर बराबर बटा हुआ है। करेक्ट, चलेगा। अब बात करते हैं इसको थोड़ा सा पढ़ना कैसे, थोड़ा बहुत किस तरह से पढ़ना है, फिर हम लोग देखते हुए ही आगे चलेंगे। जो अपना पेपर पैटर्न है एमसीक्यू, उसका तो हम लोग बीच बीच में एग्जाम्पल देख लेंगे किस तरीके से एमसीक्यू आता है। पर एमसीक्यू को लेके कभी टेंशन मत लेना, एकदम डायरेक्ट एमसीक्यू आएगा और हम लोग क्लास में ही कवर करते हुए मार्क करते हुए चलेंगे। हाँ इधर से एमसीक्यू पॉसिबल है, उधर से पॉसिबल है, वो मार्क करते हुए चलेंगे। तो मैक्सिमम चीज तुम लोग एकदम डायरेक्ट उठ के आ जाएगा, आंटी का यही एमसीक्यू है। मतलब हम लोग एलोकेट करते 3 घंटे का पेपर में 45 मिनट हम बोलेगा एग्जाम के एक दिन पहले एमसीक्यू के लिए रखना, तुम लोग करके आ जाएगा 20 मिनट में। और ये एकदम टाइम एंड अगेन प्रूव हो चुका है। इस बार भी जो लोग देकर आए एग्जाम वो बोले हाँ 20 मिनट में तो एमसीक्यू हो ही गया था, तो पूरा टाइम था एकदम 2 घंटा 40 मिनट था 70 मार्क्स अटेम्प्ट करने के लिए। तो फिर वहां पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सोच के देखो 30 मार्क्स अगर 20 मिनट में अटेम्प्ट हो जाए, मतलब एकदम ड्रीम कम ट्रू वाला बात हो जाएगा। समझ आ रहा है? वैसा तो एमसीक्यू अपने डिस्कस करेंगे कैसे कैसे क्या क्या आता है, उसके लिए हम बुक भी दे देगा एक एमसीक्यू। और तुम लोग को अगर मान लो बार बार ही कुछ प्रैक्टिस करना है तो वो एलोकेट भी हो जाएगा, वो एक ऐप में अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स के साथ एलोकेट हो जाएगा। करेक्ट। किस टाइप का एमसीक्यू आता है वगैरह वगैरह, वो सब हम लोग ड्यूरिंग द बैच डिस्कस कर लेंगे, चलेगा। ये हम तुम लोग को एक बैच का अपना कोर्स बताते हैं किस तरीके से होगा। ईएस का अगर हम लोग बात करें, तुम लोग ईएस का बुक ये वाला ही है, देखिएगा इसमें 5 चैप्टर है, बस मत बोलना, सिर्फ 5 चैप्टर मत बोलना कि ये 5 चैप्टर में जान निकल जाता है नॉर्मली। हाँ ये 5 चैप्टर में 300 पेज के आसपास पहुंच जा रहा है। करेक्ट। अब ये जो 5 चैप्टर आ रहे हैं ना, नहीं नहीं वो अमेंडमेंट अमेंडमेंट टॉपिक्स, देखो 6 नंबर चैप्टर नहीं है, 6 नंबर में अमेंडमेंट टॉपिक्स है, वो कुछ नहीं, या तो कुछ लोग को अलग से शीट मिला होगा या नहीं तो हम इसमें ऐड कर दिया, तो उसमें अलग कुछ नहीं है। उसमें क्या है, सिंपल सा चीज, जो लास्ट अमेंडमेंट आया था मई 22 में, वो जब तक नया अमेंडमेंट नहीं आता है वो इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसलिए हम उसको अलग से करके रखा है कि फोकस एरिया में बना रहे, वरना पता नहीं चलता कौन सा टॉपिक अमेंडेड है कौन सा नहीं है, तो अमेंडमेंट ऑटोमेटिकली बिकम्स इंपॉर्टेंट, वैसा बात है, इसलिए वो अलग से रखा है, चलेगा। तब 5 चैप्टर है अपना ईएस में और 8 चैप्टर है अपना एसएम में, 5 + 8 = 13। अब तुम लोग देख के लगे यार 8 चैप्टर मिला के 200 पेज, वेरी गुड, और उधर 5 चैप्टर मिला के 300 पेज, थोड़ा दिक्कत है, बड़ा बड़ा चैप्टर है इसमें। बट ये तो था मतलब प्राइमा फेजी, तुम लोग क्या लग के कंफर्ट जोन आ रहा है इन दोनों में, बोलो एमसीक्यू तो है ही, एमसीक्यू तो है, ईएस और एसएम में क्या कंफर्ट बैठ रहा है, इतना सा देख के एसएम बैठेगा। करेक्ट। और तुम लोग अगर यूनानिमसली हर जगह पूछेगा सब लोग बोलेंगे एसएम, वही वो गलत है। ईएस है 300 पेज 50 नंबर, एसएम है 200 पेज 50 नंबर, और ये सिर्फ हम लोग को नहीं आईसीआई को भी पता है, बात समझ रहे, आईसीआई को भी पता है। तो ईएस पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत देगा, इसलिए हम लोग का जो क्लासेस है वो भी 60% to 70% ईएस को ही डिवोटेड है। एसएम 20% to 30% वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, एग्जांपल्स वगैरह के साथ इजीली कवर हो जाता है। ईएस को कवर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है बस, बट जब तुम लोग एग्जाम डे पे पहुंचेगा ना और ईएस का जब लिखने बैठेगा आंसर्स, तो उस दिन रियलाइज करेगा जो हम आज के दिन बोल रहे हैं, ईएस इज मोर स्कोरिंग, मच मोर स्कोरिंग देन एसएम।
कि ईएस में जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे तुम लोग नोटिस करेगा, एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट आता है। एमसीक्यू बुक कब मिलेगा? वो एक्चुअली अभी एमसीक्यू बुक हम अपडेट कर रहा है कि जो नवंबर 22 में जितना भी क्वेश्चन आया है उन सबको अपडेट करके प्रिंट करके आई थिंक 2-3 हफ्ते में आ जाना चाहिए, तो मिल जाएगा। एनीवे एमसीक्यू अभी तो हम लोग करेंगे नहीं, वो थोड़ा बाद का ही चीज है, तो इसलिए उस चीज का टेंशन मत लो। हाँ, तो हम ये बोल रहा था कि इसमें जब हम लोग इसका जब क्वेश्चन देखेंगे और आंसर जब लिखने का बारी आएगा, एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट आंसर लिखना है। तो इसमें कुछ सोचने का काम नहीं होता है, बस आना चाहिए, और वो आना चाहिए वाला गारंटी मेरा है, मतलब हम उस चीज का ध्यान रख लेगा। करेक्ट। एसएम में प्रॉब्लम क्या होता है? एसएम में प्रॉब्लम होता है, एसएम जैसा चीज तुम लोग कहीं ना कहीं पहले भी पढ़ा है, राइट? कहीं ना कहीं पहले पढ़ा है, पोमा टोमा हम लोग कॉलेज वगैरह में थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ लेते हैं, तो वो बाई डिफॉल्ट मनगढ़ंत कहानी बन के आता है, क्योंकि वो एग्जाम्पल ओरिएंटेड है। तो मन का आंसर हम लोग लिखना चालू कर देते हैं, और जहां मन का आंसर लिखना चालू हुआ एग्जाम देते समय बड़ा मजा आएगा, हाँ हाँ हो रहा है, लिखा जा रहा है, पर जब रिजल्ट आएगा ना उतना ही समझ में आ जाएगा, शिट ये क्या हुआ। करेक्ट। तो अगर एग्जाम देते समय, इसलिए जब तुम्हें बोलता है ना पेपर डिफिकल्ट है, वो तो मार्किंग उसके लिए तुम लोग नोटिस करेगा उल्टा हो जाता है। तो यही सेम चीज ईएस एसएम में भी है। ईएस पढ़ने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा पेन भी देगा, दिक्कत भी करेगा, पर जब हम लोग ये निकाल लेंगे और जब एग्जाम का बारी आएगा तो तुम लोग रियलाइज करेगा ईएस स्कोरिंग है, इतना स्कोरिंग कि इसमें अगर 6 मार्क का सपोज क्वेश्चन आता है तो 6 out of 6 भी मिलता है, मिलता है। और मतलब ये हमको रैंक होल्डर बात नहीं कर रहा है, 6 out of 6 मिलता है, चलेगा। और एसएम में थोड़ा 5-5 नंबर का एसएम का क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा मन का लैंग्वेज आने लग जाता है, और जहां मन का लैंग्वेज आया पता नहीं आईसीआई ईगो पे ले लेता है, ये बात हमको भी समझ नहीं पाया। अगर लॉजिकल है तो सही है ना, पर जो भी आप जो है वो जिसको लेके आगे चलेंगे धन्य तक। तो इस तरीके से अपने पढ़ेंगे, ईएस पे ध्यान देंगे, एसएम को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। करेक्ट। इसके साथ किस किस तरीके से अपने को पढ़ना है, 2-3 चीज बस ध्यान रखना। हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये सब जो टॉपिक्स है तुम लोगों को दिख रहा होगा, ये जैसे टॉपिक्स, ठीक है? अब ये एग्जैक्ट बेनिफिट्स ऑफ बीपीए अभी नवंबर 22 में आया था पेपर में, 6 मार्क्स। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना कैसे है, एग्जाम्पल दे दे रहा है अभी, सिंस देखा तो ये क्वेश्चन जस्ट आया ही था, किस तरह से लिखेगा 6 नंबर का क्वेश्चन। अब याद कैसे करना कैसे नहीं वो मेरे ऊपर है, वो हम याद करा देगा, पर एग्जाम में मान लो बेनिफिट्स ऑफ बीपीए एकदम स्ट्रेट लिखना, बेनिफिट्स ऑफ बीपीए अंडरलाइन पॉइंट नंबर 1 क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। फॉर एग्जाम्पल हेडिंग लिखा डैश, अंदर का 1-2 वर्ड अपने मार्क करके रखेंगे, कीवर्ड्स को लेके इंग्लिश इंग्लिश एक सेंटेंस बन सकता है, क्रिएटिव राइटिंग तुम लोगों को बचपन से आता है ना, बस वो 1 लाइन का सेंटेंस बना देना है, 2 लाइन कवर करते हुए एक सेंटेंस बना देना, वो 1-2 वर्ड को यूज करके उतना ही करना है। ना हम लोगों को कुछ इसमें मगअप करना है, ना कुछ रट्टा मारना है, ना ही कुछ करना है, एकदम स्ट्रेट स्मार्ट स्टडीज किया जाएगा। हम लोग हेडिंग्स जितना भी रेड में किया है ना, मतलब ये कलर कलर नहीं खेला है, बहुत सिस्टमेटिक बुक है, जितना रेड कलर वाला पोर्शन है वो अपने को बाय हार्ट याद करना है, मतलब बाय हार्ट याद करना है वो हम करेगा, और जितना भी ब्लू वाला पोर्शन है वो थोड़ा रीडिंग कैटेगरी हो जाता है, उसको लेके मत बैठे ना, हाँ बेड टाइम स्टोरी की तरह पढ़ रहे, एकदम नहीं, फटाफट अपने पढ़ते हुए चलेंगे। करेक्ट। उसमें भी देखो कुछ कुछ बोल्ड किया हुआ है, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड देता है वो अपने ज्यादा जान के रखेंगे, इतना ही बात है, यहां तक डन है? करेक्ट। इस तरीके से अपने पढ़ेंगे, और यही बुक इसलिए बोला आज से लेके तुम लोग लास्ट डे तक रेफर करेगा। अब सपोज करो अगर चार्ट बना के देना होता क्या करना है, इसमें बेनिफिट्स ऑफ बीपीए हेडिंग बगल में अच्छे से एरोज निकाल देगा, और जितना भी रेड में पॉइंट्स लिखा है ना उसको वहां चिपका देगा, बन गया चार्ट। तो मेरे लिए प्रिंटिंग कॉस्ट 100 रुपया होगा, चार्ट हम दे देगा मस्त बना के, पर तुम लोग के लिए वो बहुत डिजास्टर अप्रोच है, पता है क्यों? अभी जब तुम लोग एक बार बुक से पढ़ रहे, करेक्ट, तो कभी नोटिस किया बचपन में भी जब कभी एग्जाम में बैठा है बुक में लिखा हुआ लाइन याद नहीं आता है, वो बुक का पेज बन जाता है दिमाग में, इस पेज में इधर में था, हाँ ठीक है ऐसा ऐसा था, नोटिस किया कभी? हर बार ऐसे ही याद आता है, कभी भी उसमें लिखा हुआ टेक्स्ट तारे जमीन पर की तरह फ्लोट नहीं करता है कि ये लिखा था यहाँ लिख दिए। करेक्ट। इजीली हम लोग को मूवी हमेशा याद रहता है, कौन क्या बोला था एकदम डायलॉग पे डायलॉग चिपका देगा, समझ रहे? ये इसलिए कि हम लोग का जो मेमोरी है डेट इज विजुअल मेमोरी,
वो टेक्स्ट कभी याद नहीं रख सकता, वो हमेशा इमेजेस के फॉर्मेट में ही चीजों को याद रखेगा। तब जैसे ही तुम लोग एक बार हम लोग बुक से पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम के 2 महीना पहले एक दूसरा चार्ट रेफर कर लिया, क्या उस चार्ट से पहले पढ़ा हुआ है? नहीं। तो मेमोरी किसका बना था? बुक का, बुक का। अब वो मेमोरी टार्निश कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया चार्ट को लाके, तो ना इसका मेमोरी ढंग से बना ना चार्ट का मेमोरी ढंग से बना, तो पढ़ने में कंफर्ट रहेगा, हाँ इधर से भी पढ़ रहे और इजी हो रहा है, मजा आ रहा है, छोटा हो गया सिलेबस, बहुत अच्छा, और जब एग्जाम में लिखने बैठेगा हाथ नहीं चलेगा, सेंस बन रहा है? तो इसलिए ना तो हम चार्ट दिया ना ही हम कभी चार्ट को प्रेफर करता है, क्यों? बहुत मतलब कुछ नहीं, प्रिंटिंग कॉस्ट 100 रुपए और मेरे को इसमें एफर्ट भी नहीं डाला, हम खाली डिजाइनर को फोन करके बोले जितना भी रेड पॉइंट है उसको लेके एक चार्ट बना दो, वो बना देगा, और वो तुम लोग के लिए डिजास्टर वाला रेसिपी है, पूरा प्योर डिजास्टर रेसिपी है। तो ये बुक ही हम इस तरीके से बनाए, सपोज करो अगर कभी थॉरो रिविजन करना है, मतलब टाइम देके जो खुद है ना फर्स्ट रिविजन, जैसे फर्स्ट रिविजन अगर एकदम लंबा डिटेल्ड रिविजन करना है, मस्त अच्छे से पढ़ो, पहले हेड पॉइंट्स को लर्न करो अच्छे से, और उसके बाद अंदर का कंटेंट है जो जो अपने मार्क करेंगे वो पढ़ना है, थॉरो रिविजन। नेक्स्ट अगर मान लो क्विक रिविजन करना है, तो क्विक रिविजन करना है खाली हेड पॉइंट्स पढ़ लिया, करेक्ट, एग्जाम के 1 दिन पहले खाली हेड पॉइंट्स पढ़ लिया और आगे बढ़ गया। तो यही बुक में चार्ट वाला जो फॉर्मेट होता है ना वो हम ट्राई किया कि फॉलो हो जाए, ताकि एक ही बुक हम लोग शुरू से लेके एंड तक रेफर करें। अगर तुम लोग ये छोटा सा चीज कर लिया ना, 50% काम वहीं हो गया, वहीं हो गया, करेक्ट। तो ये था पहले अपना पढ़ने वाला चीज, पढ़ने वाला क्या क्या मार्किंग अपना पूरा बुक का रेडी होगा, मार्किंग हमको देना है, और क्या कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा रीड कैटेगरी है, कौन सा मतलब कैटेगरी जो एबीसी एनालिसिस करते हैं ना वो हम लोग बैच में ही कवर कर लेंगे, नवंबर 22, मई 22, ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए मई 23 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज उस हिसाब से अपने कवर करते हुए चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट मार्क कर देगा, बाकी में रीड या जो भी, रीड माने इग्नोर ही हो जाता है हमको पता है, तो वो, और फिर जो कैटेगरी बी वाला है वो कैटेगरी बी। डन यहां तक। इसके बाद और कुछ है तुम लोग के मन में डाउट, कुछ भी और डाउट? हाँ, अगर मान लो कभी भी पढ़ना हो तो मन में मत पढ़ना, ऐसा बुक लेके बैठ के ऐसा ऐसा करके कुछ नहीं होता उसमें, मन में पढ़ना थ्योरी कभी पॉसिबल ही नहीं है। अगर मन में पढ़ने बैठा तो एक पेज कवर करने में लग जाएगा आधा घंटा, और हम लोग पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे रिविजन में 2 घंटे में, करेक्ट। तो जब जब भी कभी तुम लोग को पढ़ने बैठना, हम ये नहीं बोल रहे पढ़ने बैठना है, जब भी कभी तुम लोग के मन में वो अच्छा ख्याल आए तो बस जोर से पढ़ना, बस जोर से पढ़ना, बोल बोल के अगर पढ़ेगा तो दिमाग जो खाली वॉल पे ड्राइंग करने लग जाता है वो नहीं करेगा, करेक्ट। हमें को पता है स्टूडेंट माइंडसेट ऐसे ही काम करता है, अजीब गरीब गाना याद आने लग जाएगा जो हम लोग कभी सुने होंगे, साला सारा लिरिक्स एकदम याद आ जाता है जैसे कल ही सुना था, करेक्ट करेक्ट, यही होता है, यही होता है। तो इसलिए जोर से बोल के पढ़ने से दिमाग इधर उधर भागता नहीं है, फोर्सफुली वो बुक में ही रहेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। 2-3 चीज अगर तुम लोग कर लेगा ना, ट्रस्ट मी, ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है, हम ये सुना हुआ बात नहीं कर रहे हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है, और ये जो जो फॉलो किया है, और वो आके जब फीडबैक, फॉलो नहीं किया तो फीडबैक आएगा नहीं मेरे पास, जो जो फॉलो करके फीडबैक दिया ना वो खुद बोला कि इतना याद होते चला गया ना, पता भी नहीं चला था, करेक्ट। एक जगह से पढ़ना, और ये सिर्फ ESSM के लिए नहीं बोल रहा है, हर सब्जेक्ट में ये चीज अप्लाई करो, मतलब डोंट कीप ऑन चेंजिंग बुक्स, जहां से पढ़ रहा है वहीं से पढ़ो, इंश्योर करना कि लास्ट का जो 1.5 महीना का रिविजन पीरियड निकलेगा ना उसमें कुछ नया रेफर नहीं करो, वही सब रेफर करो जो एटलीस्ट क्लास में कवर किया हुआ है, करेक्ट, चलेगा वो। दूसरा, अगर हम लोग स्पेशली थ्योरी कभी भी पढ़े बस बोल बोल के पढ़ना, बोल बोल के पढ़ेगा काम जल्दी होगा और पेजेस फ्लिप होते चला जाएगा, बाकी किस तरीके से पढ़ना है कैसे करना है वो हम लोग देख देख के करते हैं, सारा ज्ञान अगर हम अभी दे दिए तो भारी हो जाएगा। थर्ड, मैराथन रिवीजन, वो तुम लोग का हम ही कवर करते हुए चलेगा, अभी थोड़ा सा 1-2 चैप्टर खत्म हो जाए, लगभग जनवरी मिड के आसपास से हम लोग रिविजन सेशन भी चालू कर देंगे, वीकली एक सेशन ले लेंगे, उसमें रिविजन, MCQ, जो जो भी चीज अपने को करना है डिपेंडिंग ऑन वीक बाय वीक वो करते हुए चलेंगे, तो उन लोग को कभी भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लगेगा, कभी भी ये नहीं लगेगा यार ये तो बच गया, MCQ तो अभी तक देखा ही नहीं है, तो वो मस्त एकदम कंफर्ट जोन में चलता रहेगा, और कुछ करना नहीं है बस बैठ जाना है, जितना भी हम लोग क्लास में रिवाइज करेंगे
यार अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। आ रहा है ना? अगर मान लो कुछ भी अगर हो तो यहां पे अगर कुछ होगा मेरे को पता चल जाएगा, तुम लोग बात करके आगे आ जाना बस। हो जाता है कभी कभी, मोबाइल डेटा में हो जाता है। ठीक है, पॉइंट वन एंड टू तो कुछ आया नहीं था, अभी हम लोग चालू नहीं किए कुछ भी। हाँ मेरे को भी याद नहीं कौन सा वन एंड टू। डन, परफेक्ट, ठीक है। हाँ ठीक चल रहा है, परफेक्ट। हाँ तो हम लोग क्या बात कर रहे थे वैसे, बोलो ना। पॉइंट वन एंड टू पॉइंट वन एंड टू के आगे भी कुछ बोलो, हम क्या बोल रहा था? ये हो गया पढ़ने का तरीका बता दिया, जोर से पढ़ने वाला बात वो कर लिया। हाँ रिवीजन सेशन, तो रिवीजन सेशन हम ले लेगा। और रिवीजन सेशन में भी इसलिए हम यूट्यूब वगैरह से सब हटा दिया है, यूट्यूब वगैरह में तुम लोग कुछ नहीं मिलेगा, लास्ट टर्म का मैराथन उसके पहले वाला कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? कि जब हम लोग ये पढ़ेंगे ये लर्न करेंगे इसलिए हम यहाँ कोई नंबरिंग नहीं किया है, कि नंबरिंग हम लोग अपना करेंगे, पॉइंट नंबरिंग सीक्वेंसिंग वगैरह वो हम लोग अपना फॉलो करेंगे। बहुत सारा न्यूमोनिक्स रहेगा, बहुत सारा स्टोरीज रहेगा याद करने के लिए, वही सेम चीज हम लोग मैराथन में या रिविजन सेशन में कवर करेंगे। जब सेम चीज बार 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 रिवाइज करेगा ना तो ऑटोमेटिकली आधा चीज याद हो जाएगा, करेक्ट। और वो रिवीजन सेशन वो तुम लोग को एलोकेट कर दिया जाएगा अनलिमिटेड व्यूज के साथ। तुम बस जब मन नहीं करे, ये सब्जेक्ट का कभी मन नहीं करता है, तो जब मन नहीं करे बस वो वीडियो खोल के बैठ जाना, बुक सामने ले लेना, पेजेस पलटाते चलना, एटलीस्ट उस बहाने हो जाएगा, करेक्ट। और ये तो मेरा लास्ट टर्म में भी बनाया हुआ है, ईएएस का अपने 11 घंटा के अंदर में पूरा बुक रिवाइज कर लिए थे, फुल 300 पेजेस, और एसएम कर लिए थे आई थिंक 5.5 to 6 आवर्स में, तो 17 to 18 आवर्स में पूरा सिलेबस रिवाइज हो चुका होगा। तो वो एक मतलब वो हमेशा का एक कंफर्ट बन के रह जाएगा, कि अगर मान लो कभी भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पर पढ़ना तो यही है, अगर उस समय बस वीडियो खोल के बैठ जाना, एक फ्लो बन जाएगा, उसके बाद मन भी आ जाएगा शायद। ठीक है, क्लियर है, बोलो और कोई डाउट? हाँ तीसरा बात रिविजन का ही था, करेक्ट। और कोई डाउट कि एक बार का कंफर्ट है, क्लैरिटी है, बाकी किस तरीके से पढ़ना है क्या करना है वो हम लोग कर लेंगे, कवर कर लेंगे। हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज और, बस तुम लोग पहले से मन बनाने लग गया होगा, कितना लोग सच्ची बोलना 5 में से 4 करके जाना ये अभी से ही सोच लिया ईएएस में, नहीं बोल दो सच्ची बोल दो, और ये भी चूज कर लिया कि चैप्टर 3 सबसे बड़ा, इसको तो पहले छोड़ना है। 4 भी हो इतना मन छोड़ देना, बोलो नहीं जेन्युइनली आया ये मन में? नहीं ना, परफेक्ट। तो क्योंकि जब तुम लोग बाकी लोग से पूछेगा तो वो लोग बोलेंगे ये चैप्टर छोड़ दे, ये चैप्टर छोड़ दे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑप्शन में निकल जाएगा। पर हम हमेशा बोलते हैं देखो 5 चैप्टर है और ऑप्शन ले ले, 35 मार्क्स तो रिटर्न आ रहा है, ऑप्शन ले ले तो 10 नंबर और, 45 का रिटर्न तो आना ही है, राइट। अब 45 का रिटर्न आना है 5 चैप्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है वो डाइवर्सिफाइड होगा, ऐसा नहीं होगा कि कोई एक चैप्टर आई ही नहीं। और मैक्सिमम केस में लक इतना ही खराब होता है हम लोग का कि जो अच्छे से आता है उसका दूसरा पार्ट पढ़ चले हम लोग छोड़ के आ गए, ऐसा ही होगा, नियम का बात है ये। इसीलिए हम लोग चैप्टर तो करेंगे 5ों, बट ऑब्वियस सा बात है स्टूडेंट माइंडसेट का बात करें तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग एकदम 300 पेजेस रट्टा मार के चले जाए, पॉसिबल नहीं है, करना भी नहीं है। तो हम लोग बस क्या करेंगे इसके लिए एबीसी एनालिसिस काम आ जाएगा, इंपॉर्टेंट वाला मार्क कर लेंगे, जो कैटेगरी बी है क्वेश्चन क्वेश्चन वो सब मार्क कर लेंगे, तो वो एक कंफर्ट रहेगा कि ठीक है अगर रीड वाला जो तुम लोग रीड कभी करेगा नहीं बस, तो जो चैप्टर है अगर लेट से 70-80 पेज का वो छोटा होकर अपने आप 30-40 पेजेस में आ जाता है, करेक्ट। बीच बीच में कुछ कुछ कॉन्टेंट स्किप हो जाता है, दैट इज मच बेटर देन लीविंग 1 चैप्टर कंप्लीटली, चलेगा? ये इंपॉर्टेंट चीज था बस। डन, नोटबुक वोटबुक नहीं मेंटेन करना है, वो सब बाकी सब्जेक्ट के लिए रखो, कुछ नहीं करना है, लाइफ इज वेरी इजी। नोटबुक कौन मेंटेन करता है, मतलब थ्योरी के लिए
जो भी आपने लिखी है मत देखो, तुम लोग के पेज में व्हाइट स्पेस बहुत दिखेगा, उसको यूज कर लेना, पैसा लग चुका है, अच्छे से यूज करना। नोटबुक दूसरे सब्जेक्ट में यूज कर लेना जो खत्म होने वाला होगा। डन। तो बोलो पहले क्या चालू करें, ईएस से ही चालू कर ले, थोड़ा बड़ा है कवर होगा तो अच्छा लगेगा, और एसएम इजी है, छोटा सा कंटेंट है वो बाद में भी कवर कर लेंगे, हो जाएगा। डन। और वैसे हम लोग का क्लास बोलने को तो 5 to 7 है, पर आज तक तुम लोग कोई भी क्लास मेरा 2 घंटा चलने दिया नहीं है, तो एसेंशियली अभी 7 है, वो धीरे धीरे 6:45 पता नहीं क्या आ जाएगा, तो थोड़ा दिन 2 घंटा चलने दे देना, उसके बाद तुम लोग बाय डिफॉल्ट ही कम ले आएगा, मतलब लोग बुक करके बंद करके बैठ जाएंगे, पढ़ाई आपको जो पढ़ाना है, फिर हम भी क्या ही करेगा, चलेगा। तो होगा भी नहीं 2 घंटा, अपने करेंगे 1 hour 45 to 50 minutes, उसमें से 1.5 घंटा नया चीज और 15 से 20 मिनट रिविजन। और रिविजन में नियम कब आता है, देखो तुम लोग तो तुम लोग को टॉलरेट करना पड़ेगा मेरे को, नियम कब आता है जो गूगल ड्राइव मैक्सिमम लोग जब करेंगे वो लोग स्किप कर देंगे 15 मिनट, चलिए 15 मिनट तो बच गया, और वहीं पे वापस से एक प्रॉब्लम वाला चीज है, 15 मिनट तुम लोग जिंदगी बचा के कर ही क्या लेगा, एक और एपिसोड फ्रेंड्स का ही देखेगा, तो उससे अच्छा है अगर ये रिवाइज कर लेगा तो May 23 में ज्यादा काम आएगा, है ना, इसीलिए तो बोला, वो भी 20-22 मिनट ऐसे ही होता है ना, हालांकि हम फ्रेंड्स देखा नहीं कभी, तो बस सुना हुआ है, तो इसीलिए ये जो रिविजन है साथ में बोलते हुए करना, घर बैठ के लाइव ऑनलाइन कर रहा है, गूगल ड्राइव कर रहा है, बोलते हुए करना, और जब तुम लोग ये 15-15 मिनट दे देगा ना, तो घर में अलग से पढ़ने का टाइम नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, करेक्ट, बाद में रिवाइज कराना कैसे कराना वो मेरे ऊपर है, वो हम करा देगा, तो बस इज्जत से 1.5 घंटा पढ़ना है, उस समय सुन लेना, इंटरेक्ट करते हुए करेंगे तो आएगा, और 15 से 20 मिनट रिवाइज करना, और रिवाइज जब करना है तो बिल्डिंग में सबको सुनना चाहिए, मतलब मेरे को तो आता है, हम अपने लिए रिवाइज नहीं करेगा, तो लर्न करना है तुम लोग को, करेक्ट, चलेगा। इसी साथ कंटेंट में चले, आई थिंक बहुत ज्ञान हो गया, मेरा सर भारी हो रहा है, बाकी जो जो चीज रिक्वायर्ड है वो हम बीच बीच में बताता चलेगा, और वो सिर्फ ESSM के लिए नहीं, सारे सब्जेक्ट के लिए, मतलब मेरे को पता है क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ एज ए स्टूडेंट, तो इसलिए मेरे को पता है प्रॉब्लम विथ CA इंटर इज नॉट कॉन्टेंट या नॉट सिलेबस, सिलेबस बड़ा है पता है, पर वो मैनेज करना अगर आ गया ना तो इसमें और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ट्रस्ट मी, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है IQ 100 चाहिए अपने को, कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत बेसिक IQ भी अगर, और दिस इज नॉट अ कोर्स ऑफ ब्रिलियंस, इनमें कोई ब्रिलियंस का दरकार नहीं है, बस कंसिस्टेंसी चाहिए और एक प्लान ऑफ एक्शन चाहिए, उतना ही अपने को चाहिए, दैट्स ऑल, चलेगा। और वो प्लान ऑफ एक्शन क्या है वो हम बताता चलेगा, फॉलो करना है या नहीं करना वो तुम लोग के ऊपर है, चले। 3 महीना खराब कर दिए बताएंगे ना कि हम लोग अपना 3 महीना खराब कर दिए, चलो ठीक है, टेकिंग इन टू अकाउंट कि तुम लोग अपना आज से पहले, मतलब क्या चाहते हैं, बोलते कुछ नहीं पढ़ा, ठीक, ओके। फेस टू फेस कौन है इसमें, अच्छा मतलब मेरे पास ऑप्शन नहीं, ऐसे कैमरा घुमा के दिखाना तो हम लोग किसी समय ऐसा फोन रिकॉर्डिंग में दिखा देगा, डोंट वरी। हम लोग का सीक्वेंस जो रहेगा चैप्टर पढ़ने का वो हम पहले बता देते हैं, फर्स्ट अपने थोड़ा इजी चैप्टर से चालू करेंगे, Chapter 1 ये पहले पढ़ेंगे, फिर जाएंगे Chapter 3 में, उसके बाद फिर ठीक है 2 कर लेंगे, 5 कर लेंगे और लास्ट में 4 सलटा देंगे, ये सीक्वेंस में अपने मस्ट चैप्टर पढ़ लेंगे, चलेगा। अच्छा ये भी लिख रहा है क्या, लिख लो लिख लो, नहीं नहीं हाँ वो शीट होगा, हाँ बता रहे बता रहे, ये अमेंडमेंट टॉपिक जो है कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, हो सकता है तुम लोग के पास ये टॉपिक नहीं हो इंडेक्स में, अगर नहीं है तो साथ में एक शीट होगा 20-22 पन्ने का, दोनों ही नहीं है, अच्छा हाँ शीट होना चाहिए, ठीक है मान लो अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं, वो मंगवा देगा, वो और मिल जाएगा, और ये अमेंडमेंट टॉपिक्स क्या है, May 22 में बोला, May 22 में Chapter 3, 4 और 5 इसमें कुछ कुछ चेंजेस आया था, बस उस वो चेंजेस अलग से हम एक जगह पे दिया है, बुक में डायरेक्टली दे देता तो कभी पता नहीं चलता कौन से टॉपिक में चेंजेस है, वो चेंजेस अपने अलग से उसमें नोट कर रखे हैं, वो बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो 2022 पेजेस में कम से कम 2 क्वेश्चन यानी 10-12 नंबर उससे आ जाता है, चलेगा।
इसीलिए वो अलग से दिया हुआ है। तो कुछ लोग में बुक में एंड में इंक्लूडेड है, अगर वो नया लॉट ऑफ प्रिंटिंग है उसके पहले वाला है तो वो इंक्लूडेड नहीं है, इतना ही फर्क है, कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। चलेगा? हाँ, दोनों नहीं है, वाह वेरी गुड, शीट हम मंगवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस? नहीं यार, हम प्रैक्टिस नहीं करता, आई डोंट प्रैक्टिस। वैसे आप प्रैक्टिस? नहीं नहीं, आई डोंट प्रैक्टिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हम करता है। मेरा कभी ऑडिट में इंटरेस्ट था नहीं, हम बस मार्क्स दिखा दिया, मैं प्रैक्टिकली मेरे को कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं आया था। ठीक है, तो अब मैं करते हैं चैप्टर वन। भाई तुम लोग को आजकल हम ये सुना है बहुत इंटरेस्टिंग, तुम लोग का इंटरेस्ट लेवल आता है ना फाइनेंस में, स्टॉक मार्केट सबको करना होता है ऐसा ऐसा, कितने लोग वो अभी से प्लान कर ले एक बार सीए इंटर दे दे फिर बस बड़ा इन्वेस्टर बन जाएगा। कोई हाथ नहीं उठाया, सोचा तो पक्का होगा, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। हाँ ठीक है, चलो चैप्टर वन अपने चालू करते हैं, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस। थोड़ा थोड़ा आंसर करते हुए चलना तो जीत जल्दी याद होगा। प्रोसेस मतलब पता है? वैसे एक सेन एक सेन, ये सब्जेक्ट का जो ई आई एस फुल फॉर्म मालूम है? एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। अब ये तीन के ऊपर 15 मिनट का ज्ञान हो सकता है, पर हम वो भी नहीं देने वाला है, वो हम लोग धीरे धीरे कवर करके हम तुम लोग को खुद ही बता देगा कि ई आई एस क्या होता है। क्वेश्चन में कभी भी पेपर में ही नहीं आएगा व्हाट इज ई आई एस, ये सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, वो सब हम लोग अलग अलग बीच बीच में कवर करेंगे तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। एक प्रोसेस क्या होता है ये बताओ अभी के लिए। प्रक्रिया, ओके, वे ऑफ डूइंग थिंग्स, एग्जाम्पल लो ना, ये सब तो बुक लैंग्वेज बुक में लिखा है, एग्जाम्पल में बताओ, अपने एग्जाम्पल में बात करेंगे सारा। और हमेशा कोई भी टॉपिक, एक और चीज, कोई भी टॉपिक पढ़ने का टॉपिक के बगल में अपना लिखा होगा एग्जाम्पल, तो कभी भी टॉपिक पढ़ो वो एग्जाम्पल वर्ड से ना एक क्लास में एग्जाम्पल डिस्कस किया हुआ याद हो जाएगा। कुछ लोग भूतनी बनेंगे तो वो सब एग्जाम्पल जब याद आएगा ना, अंदर का कॉन्टेंट अपने आप याद आएगा। तो ये हम बताते हैं प्लान ऑफ एक्शन, पढ़ने का तरीका होना चाहिए, तो बोरिंग सब्जेक्ट भी किसी तरीके से निकल जाता है, वो चाहिए, करेक्ट। आ जाओ बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रोसेस, प्रोसीडर्स ये सब। हाँ, व्हाट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इस पे बात करते हैं, इस पे बात करते हैं, अभी तुम लोग बहुत भटक जाएगा, इस पे बात करेंगे। बोलो प्रोसेस मतलब क्या, एग्जाम्पल में बात करो ना, फिर आउटकम ये तो नहीं, एग्जाम्पल। तुम लोग डेली डेली रूटीन क्या फॉलो करते हैं आज के दिन? भाई इतना पढ़ाई कर रहा है, कुछ नहीं, गो विथ फ्लो, लाइफ इज इजी। ओके, तो सुबह उठता होगा उठता नहीं होगा आठ, नहीं नहीं रेक्टिफिकेशन, सुबह पहुंचता होगा एक क्लास के लिए 8 बजे, 8:30 जो भी, नेक्स्ट क्लास के लिए 11 बजे, थर्ड क्लास के लिए 2 बजे, और लास्ट में मेरे पास आ गया 5 बजे। अब ये क्या डे आफ्टर डे कुछ बदलने वाला है एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स? नहीं, दुख के साथ नहीं, हाया ना, यही जिंदगी, करेक्ट। बस इसी को हम लोग प्रोसेस बोलते हैं, समथिंग जो हम लोग को कल सुबह भी उठ के बिना दिमाग लगाए करना है, बस दिमाग लेके क्लास में बैठ जाना है, करेक्ट। यही तो कर रहे हैं ना तुम लोग, कुछ लोग दिमाग छोड़ के, इतना ही फर्क है, कर रहे हैं सब चीज, सब लोग वही है, बस यही प्रोसेस होता है। मतलब एक ही काम जो हम लोग डे आफ्टर डे करते रहते हैं विदाउट एनी चेंजेस, उतना ही। जैसे फॉर अब वही चीज, ये तो नॉर्मल कोलोकियल लैंग्वेज हो गया, वही चीज अगर हम लोग बिजनेस में अप्लाई करें, अब बिजनेस में भी हर दिन नया कुछ नहीं हो जाएगा ना, काम तो वही चलेगा, हाँ या ना, अनलेस वो रिलायंस हो जो डेली कुछ नया कर लेता है, या अदानी हो जो डेली मूड होता है तो कंपनी खरीद लेता है। बाकी लोग नॉर्मल कंपनी बिजनेस के लिए अगर बात करें तो बिजनेस प्रोसेस क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोग डोमिनोज तो सब ऑर्डर किया होगा, हाँ, मत बोलना पार्टी, डोमिनोज का वर्ड लेने में मेरे को डर लगता है, खिला दीजिए अभी दिखाइए बिजनेस प्रोसेस क्या होता है, खा लिया ना, बस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिजनेस प्रोसेस, डोमिनोज तो ऑर्डर किया होगा कभी, अब जब डोमिनोज ऑर्डर करता है तो ऑर्डर प्लेसमेंट से लेके उसके डिलीवरी तक तुम लोगों को क्या लगता है वो कुछ नया अतरंगी अतरंगी चीज हर बार करता होगा? नहीं, उसको उसके पास एक स्टैंडर्ड सा ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन है जो ऑर्डर आफ्टर ऑर्डर सबके लिए फॉलो कर रहा है, यस और नो? यस, ऑर्डर आया वही वही सेम डो बनाएगा,
भाई तुम लोग बैंगलोर वाला न्यूज सुना था? अभी 2-3-4 महीना पहले आया होगा। बैंगलोर का एक डोमिनोज का आउटलेट था, उसमें कुछ हुआ था। नहीं बताए? बता कि भी तुम लोग खा तो ले गई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वही तो, फर्क नहीं पड़ता है। हाँ तो डोमिनोज का एक आउटलेट था, डोमिनोज बनते हुए तो देखा ही होगा ना सब लोग, इसलिए हम वो एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हम लोग देखे हैं उसको बनते हुए। कोई भी ऐसा जो नहीं देखा है डोमिनोज में पिज्जा कैसे बनता है? देखा है ना? परफेक्ट। और नहीं देखा है तो जाके देख लेना। सुनो, ये मत बोलना ले चलिए, वो मत बोलना। सुनो, हाँ हाँ क्या हो जाएगा? ओ ट्रिप, नहीं वैसा ट्रिप नहीं चाहिए। सुनो तो डोमिनोज में सबसे पहले वो ब्रेड से लेके बेस बनाता है, बेस बनाता है। तो बैंगलोर का आउटलेट में वो बेस के ऊपर कुछ ब्रश लटका हुआ था, और वो टूथब्रश नहीं था, वो वाला ब्रश था जिससे हम लोग घर का कमोड साफ करते हैं, टॉयलेट ब्रश। और वो हम लोग मस्त उंगली चाट चाट के खाते हैं। अब बोलने को तो हम लोग बोलेगा ये बैंगलोर के आउटलेट में था, अपने को क्या फर्क पड़ता है, पर वो था जो पकड़ा गया। तो नेक्स्ट टाइम डोमिनोज खाओ तो एग्जाम्पल को याद कर लेना बस, और फिर भी खाए रहे तो वेरी गुड, ढीठ है। हाँ लापिनोज लापिनोज में क्या हुआ? दूसरा पिज्जा छोड़ मत बोल, हम खाते हैं। हाँ तो ठीक है, तो टाइम पास था। तो वो डोमिनोज का सबसे पहले ब्रेड बना, अब उसके ऊपर वो क्या करेगा? अरे बोल ना, हम लोग बिजनेस प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं। सॉस लगाएगा, मुंह में पानी आ रहा है? नहीं आ रहा? वेरी गुड, इसीलिए बस, वेरी गुड, पानी नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ हाँ प्रैक्टिकली तो बता रहे हैं, बताने को भी प्रैक्टिकल बोलते हैं। सुनो तो उसके ऊपर सॉस लगा, उसके ऊपर टॉपिंग्स डलेगा, टॉपिंग्स डलेगा, उसके ऊपर चीज आ जाएगा, उसके बाद भूख तो लग ही रहा है, उसके बाद अवन में जाएगा, मुंह में तो पानी आ ही जा रहा है ना, वो बढ़ रहा है बस, अवन में जाएगा, उसके बाद दूसरे एंड से वो निकलेगा, डब्बे में जाएगा और डिलीवरी वाला लेके घर पहुंच जाएगा। यही होता है। अब ऑर्डर आफ्टर ऑर्डर वो यही कर रहा है, कुछ अलग भी कर रहा है? यही करेगा ना? हाँ या ना? इसी को बस हम लोग बिजनेस प्रोसेस बोलते हैं। क्लैरिटी है? इसी तरीके का एक प्रोसेस हम लोग के यहां भी फॉलो होता है। अब इस बेसिस पे बोल सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस प्रोसेस हम लोग के लिए क्या होगा? लालची लोग, टीचिंग भी बोल सकता था, मतलब इतने कमर्शियल नहीं है। ये भी तो है एक बिजनेस प्रोसेस। इम्पोर्टेंट टीचिंग ये तो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अच्छे लोग हैं हम लोग। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सुनो ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये टीचिंग, करेक्ट। तो अब क्या हर क्लास, मतलब ऑब्वियसली सेम कंटेंट नहीं हो सकता, सेम स्टाइल नहीं हो सकता, पर सब्सटेंशियली तो वही वही होगा ना। मतलब एवरीडे मेरे को पता है 5 बजे क्लास लेना है, 7 बजे तक चलेगा, 7 नहीं 6:45 तक चलेगा, इस तरह से होगा। हाँ या ना? करेक्ट। अभी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? हाँ मतलब अच्छे से बोल रहा, एडमिशन ही है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस प्रोसेस एडमिशन। तो लॉजिकली सोचो, तुम लोग एडमिशन लेके बैठा है ना? हाँ, तो एक्सपीरियंस क्या हुआ प्रोसेस है, इसलिए हम ले रहे हैं। अपने सब एकदम नॉर्मल एग्जाम्पल लेंगे, कोई भी दादा ये नहीं बोलने वाला टाटा स्टील का प्रोडक्शन प्रोसेस बताओ, नहीं, वो सब रिलेट नहीं हो पाता है, और वो सब एग्जाम में कभी रिकॉल नहीं होगा। ये डोमिनोज एकदम फट से रिकॉल होगा। तो वही एग्जाम्पल लेंगे तो हम लोग डे टू डे लाइफ में डील करते हैं ताकि वो रिकॉल हो। क्लियर है? हाँ, हम बता था एडमिशन वाला। तो तुम लोग लेके आए, तो तुम लोग एक्सपीरियंस किया है वो प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से होता है। हाँ खाना ही नहीं है, परफेक्ट, वेरी गुड। तो इस तरीके का अपना प्रोसेस होता है। बोलो क्या किया होगा? तो एडमिशन लेने ऊपर गया। हाँ तो सबसे पहले क्या हुआ होगा? अच्छा, तीन लोग बैठे हैं पता है ना, कौन कौन? सबसे पहला सीनियर मैनेजर, वेरी टैलेंटेड। और अरे इसमें क्या डाउट है बोलो? चौधरी अंकल, ओके। नहीं, सीनियर मैनेजर वो एकदम दुबले पतले वाले, ही सीनियर मैनेजर। हाँ वो एक सीनियर मैनेजर हो गए और दूसरे चौधरी अंकल हो गए, उनको हम लोग तुम्हें ऊपर जाके बोल देगा, इसलिए मेरे को बोलने में डर लग रहा है। पक्का बोलो? नहीं बोलेगा? प्रॉमिस बोलो, पहले यहीं तक रहेगा, क्लास के बाहर नहीं जाना चाहिए। नहीं बोलिए तो उसके बाद क्या बचेगा? उसके बाद तो मेरा चौप हो जाएगा ना फिर। पक्का बोलो? उसको हम लोग बोलते हैं डोरेमोन, जस्ट फॉर इंटरनल रेफरेंस, डोरेमोन याद आएगा जल्दी। अब तुम लोग रिलेट करेगा तो डोरेमोन फील जाएगा, ठीक है? बस कभी बोल मत देना मेरा चौप हो जाएगा।
सीनियर मैनेजर नोबिता हो गया। अब तो धीरे धीरे शिजुका और सबको लाने लग जाएगा रेंडो वहीं तक, इसलिए डोरेमोन तक ही छोड़ दो। ठीक है, थर्ड अपना आ गया अग्निश भैया, दास भैया, अग्निश भैया, जो भी बोल दो, उनको बिगाड़ते नहीं, वो ठीक है, चलेगा। अब ये तीन लोग पूरा एडमिशन का प्रोसेस लेते हैं, हाँ या ना? हाँ, तो बताओ तुम लोग क्या किया होगा। सबसे पहले आया, पहला स्टेप क्या किया होगा, थोड़ा इंक्वायरी वगैरह किया, कौन सा बैच चालू हो रहा है, क्या सब्जेक्ट लेना है वगैरह वगैरह, और एडमिशन फॉर्म ले लिया, है ना। अब लेट से सीनियर मैनेजर कुछ ने एडमिशन फॉर्म पकड़ा दिया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा, बैठ के मस्त फिल करेगा, बहुत अच्छे से सुंदर हैंडराइटिंग फिल किया, सारा डिटेल्स भर लिया, गार्जियन का नंबर में अपना जियो वाला नंबर डाल के डिटेल्स भर लिया। हमको समझ में नहीं, हम लोग गार्जियन नंबर लेते ही क्यों है, पर ठीक है, फॉर्मेलिटी। हाँ, खाली छोड़ दिया, कोई कुछ बोला भी नहीं होगा, ऑब्वियसली डन। उसके बाद एडमिशन फॉर्म घर तो लेके नहीं जाएगा, क्या करेगा, वापस दे देगा ताकि वो लोग अपना डिटेल्स एंट्री कर ले वगैरह वगैरह, डेटाबेस रेडी हो जाए। उसके बाद मेन चीज क्या होगा, नहीं इनवॉइस, ठीक है, तुम लोग समझ नहीं पाए हैं, हम लोग पहले इनवॉइस देते हैं, हम लोग लालची लोग नहीं है, पहले इनवॉइस बनाते हैं फिर पेमेंट लेते हैं, हाँ फिल करके रखते हैं ऑब्वियसली। तो अरे पहले भर तो लिया ना, अच्छा ठीक है, तरह इतना भी सच नहीं बोलना चाहिए। तो उधर इनवॉइस बना, डन, इनवॉइस बना और पेमेंट उसके बाद लिया, बोलने में अच्छा लग रहा है, बोलने दो, पहले इनवॉइस बना उसके बाद पेमेंट हुआ, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, हाँ अगर इनवॉइस बन, इनवॉइस तुम लोग ले लिया और पैसा दे दिया, तो बिना बुक्स के तुम लोग घर नहीं जाने वाला है, पहले बुक चाहिए, करेक्ट, बुक्स लेगा और फिर घर जाएगा, खुश मन से या दुखी मन से, खुश, दुखी, खुश तो क्यों खुश, अच्छा जब तक क्लास चालू नहीं रहा पर पैसा लग गया तो खुश, और दुख क्यों, हाँ मेरे को भी बोलेगा, मेरे को तुम लोग बोलेगा दुखी, पैसा खर्चा हुआ है, हाँ ठीक है समझ गया, ट्रीट लेना इससे, डन। तो ब्रॉडली यही प्रोसेस अपने फॉलो किए, हाँ या ना। अब सोच के देखो कि हम लोग चेहरा देख के या कुछ भी स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये प्रोसेस बदल देंगे क्या, नहीं, वो इट हैज टू बी सेम। अगर बदलने लग जाए तो केओस सिचुएशन हो जाएगा, है ना, पता ही नहीं होगा भाई लास्ट में करना क्या है। सपोज करके देखो, आधा लोग को बुक मिल गया, आधा लोग को बुक नहीं मिला, अब पता कैसे चलेगा कौन से आधे को बुक मिला, बात समझ आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं हर जगह सेम काम हो रहा होता है, उसी को बिजनेस प्रोसेस बोलते हैं, यस और नो, करेक्ट। अब बात रहा बिजनेस प्रोसेस, हम लोग यहां क्यों पढ़ रहे हैं, पांच मिनट बाद पता चलेगा, पांच मिनट बाद क्लियर होगा। पर बिजनेस प्रोसेस हर कंपनी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा फॉलो कर रहा होता है इन इट्स एवरीडे लाइफ, यस और नो, करेक्ट, एकदम सही यहां तक, कोई दिक्कत? तो बस इसी को अगर हम लोग बुक के लैंग्वेज में लिख दे तो क्या लिखा है देखो। अब जैसे एग्जांपल रेडी है अपने पास, तो अपने किस तरह से बुक रेडी करते हुए चलेंगे देखो। बिजनेस प्रोसेस के बगल में एग्जाम्पल में लिख लो एडमिशन, हाँ नीचे लिखा है, पर हम ये मतलब इसमें तो हम नीचे बहुत डिटेल में दे दिया, पर काफी जगह नहीं भी होगा जिसमें हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, तो वहां बस बगल में अगर ये लिख लिया ना तो ये वर्ड से पूरा एग्जाम्पल याद हो जाएगा, और हम लोग मैराथन में ब्रीफ में वो एग्जाम्पल बता भी देगा, तो एक ही चीज अगर बार बार रिलेट होता चला जाएगा लास्ट में जाके एकदम छप जाएगा दिमाग में, डन। एडमिशन या डोमिनोज, बैंगलोर वाला बात मत लिखना, खा नहीं पाएगा, डोमिनोज स्पेलिंग यही है ना डोमिनोज का, आई थिंक, हाँ ई एस शायद नहीं होता ना, ओ एस एस ई नहीं होता ना, हाँ हाँ वही वही डोमिनोज का, अब बहुत बड़ा फैन बचा नहीं वो इंसिडेंट के बाद, इसीलिए डन। तो इस तरह से हम लोग लिखे, अब देखो ये लोग क्या लिखा है, बिजनेस प्रोसेस इज एन एक्टिविटी और अ सेट ऑफ एक्टिविटीज। सोच के देखो ये जो हम लोग यहां पर बनाए हैं, क्या इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारा छोटा छोटा एक्टिविटीज हो रहा है, हाँ या ना, हो रहा है। जैसे स्टूडेंट एंट्री, ठीक है वो तो हो गई, एडमिशन फॉर्म दिया गया, वो हम लोग फिलअप कर रहे हैं, फिर पेमेंट हो रहा है, इनवॉइस उल्टा होना चाहिए था ये, और फिर बुक्स एंड आईडी कार्ड मिलेगा, तो ये बहुत सारा एक्टिविटीज है, हाँ या ना। तो बस यहां पे यही लिखा है, इट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज जो किसी एक ऑब्जेक्टिव के साथ हो रहा था क्या,
हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है? थोड़ा अच्छे से भी बोल सकता था, एडमिशंस हम ज्यादा से ज्यादा लोग को हम लोग केटर कर पाए, ये ज्यादा से ज्यादा लोग को हम लोग केटर कर पाए ये विदाउट हैरेसमेंट, मतलब हैरेसमेंट इन द सेंस ऐसे कोई टॉर्चर नहीं कर रहा है, मतलब तुम लोग टाइम वेस्ट नहीं हो, वही ऑब्जेक्टिव होगा। तो हर प्रोसेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है, जो डोमिनोज वाला ऑब्जेक्टिव क्या उसका, वो गारंटी देता ना 30 मिनट डिलीवरी। हाँ अब बंद कर दिया, नहीं नहीं कभी कभी तो होता ही यार, बंद कैसे किया, वो पीक डेज में बंद कर देता है, फॉर एग्जाम्पल संडे फेस्टिवल्स में उस समय बंद कर देता है, उस समय वो पहले बोलते थे गारंटी नहीं है, करेक्ट। तो उसका गोल है ना कि वो 30 मिनट में पिज्जा कोई भी कंडीशन में हो पिज्जा तुम्हारे घर तक पहुंचा देगा, यस और नो? हाँ, तो बस हर प्रोसेस क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल। बस दो बात क्या होता है बिजनेस प्रोसेस, इसी तरीके से हम लोग आगे लर्न करेंगे बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड दो चीज, पहला सेट ऑफ एक्टिविटीज टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, एक गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारा काम जो हम लोग कर रहे हैं, दैट इज अ बिजनेस प्रोसेस, सिंपल। तो एग्जाम में अगर सपोज करो 2 नंबर का ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, आएगा नहीं, बहुत बेबी चीज है। फॉर एग्जाम्पल आता है एक्सप्लेन अ बिजनेस प्रोसेस, या व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस प्रोसेस, पहले आपने लिख दिया डेफिनेशन, इट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल, देन नीचे में एग्जाम्पल में एक लाइन लिख दिया, कोई भी एग्जाम्पल ले सकता है, तुम लोग डोमिनोज का भी लिख सकता है, तुम लोग एडमिशन का भी लिख सकता है, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकता है, देन 2 नंबर का 2 मार्क पूरा, एकदम इसी तरीके से पढ़ना है। अब कोई भी बिजनेस में एक ही टाइप का बिजनेस प्रोसेस होगा क्या? बहुत सारा अलग अलग बिजनेस प्रोसेस होगा, एग्जाम्पल दे सकता है और कोई बिजनेस प्रोसेस का? पैकिंग, चलो बहुत बढ़िया, पैकिंग और बुक्स का प्रिंटिंग, बहुत बढ़िया, डिस्पैच, बहुत बढ़िया, और हाँ आईटीसी तो आना ही था, बोलो सिगरेट का क्या, मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा हम बोला कंज्यूमिंग भी बोल ही सकता था, वो भी बिजनेस प्रोसेस है, दिल्ली का टाइम फिक्स्ड है, सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग, चलो वो भी एक बिजनेस प्रोसेस, नहीं नहीं तुम आराम से बोलना, सहम मत जाना, ऐसे चलता रहेगा ये, हाँ वही तो, इसलिए चलता ही है, इसमें क्या है। तो इस तरह से हर कंपनी में हर बिजनेस में अलग अलग टाइप का बिजनेस प्रोसेस आएगा। अब एग्जांपल तो मेरे को बता देना, अकाउंटिंग बिजनेस प्रोसेस है या नहीं, यस और नो? अकाउंटिंग है, आप परचेज करें तो डेली क्या एंट्री मारेगा, परचेज टू कैश या क्रेडिटर, डाउट नहीं है ना इसमें? सेल कर रहे तो क्या एंट्री मारेगा, कैश या डेटर्स टू सेल्स, कोई डाउट नहीं है, पक्का, परफेक्ट। अब अकाउंटेंट हर बार यही तो करेगा ना, कुछ अलग थोड़ी कर रहा है, तो अकाउंटिंग ये हुआ, क्या बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेस, परचेज बिजनेस प्रोसेस, प्रोडक्शन बिजनेस प्रोसेस, तुम लोग का फेवरेट एचआर, उसको इसे छोड़ दिया, फेवरेट ही तो है, बोलो वो क्या है, इंसान है पता है, एज अ प्रोसेस वो बिजनेस प्रोसेस है या नहीं है? है, उसका भी एक ही तरीका है लोगों को समझाने का, करेक्ट है या ना? बस बस समझ में आ गया, तुम ज्यादा ही समझ रहे, करेक्ट। तो इस तरह से एक कंपनी में, एक कोई भी कंपनी में बहुत सारा अलग अलग बिजनेस प्रोसेसेस है, ऐसा मतलब ये कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल फॉर्मेट है, इतना सारा अलग अलग बिजनेस प्रोसेस चलता है। अब ये जरूरी नहीं हर कंपनी में इस तरीके से ही रहेगा, बेस्ड ऑन कंपनी का नेचर एंड काम प्रोसेसेस बदल जाता है। फॉर एग्जांपल डोमिनोज में पिज्जा बनाने का काम है, तो टाटा स्टील में स्टील बनाने का काम है, हम लोग के केस में एडमिशन लेने का काम है, तो बेस्ड ऑन कंपनी का नेचर प्रोसेस बदलेगा, बट ऑब्वियस बात है, करेक्ट। तो इसको हम लोग बस क्लासिफाई करते हैं 3 अलग अलग प्रोसेस में, वो 3 प्रोसेस का नाम दे दे रहा है, तुम लोग ट्राई करके फिट करना, गलत तो गलत, सही चीज तो हम लोग पढ़ेंगे, पर इस तरीके से दिमाग खुलता है, सोचने का तरीका आता है। 3 नाम है, पहला प्राइमरी प्रोसेस, दूसरा सेकेंडरी प्रोसेस, तीसरा टर्शियरी, तीसरा
मैनेजमेंट प्रोसेस, प्राइमरी, सेकेंडरी और मैनेजमेंट। बोलो इसमें से सबसे सिंपल कौन सा लग रहा है सुन के? प्राइमरी। चलो प्राइमरी प्रोसेस को तुम लोग क्या बोलेगा? एक सेकंड, अभी बुक नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, एक्चुअली आज ही बुक प्रिंटिंग हो गया है, आज डिस्पैच हो चुका है, नहीं भी हुआ तो अभी हो जाएगा, तो वो पहुंच जाएगा, 2 से 3 दिन में पहुंच जाएगा, डोंट वरी, डोंट वरी। तो इधर देखो, यहां पे क्या है, प्राइमरी प्रोसेस का हम लोग बात करते हैं। बोलो कौन सा प्रोसेस प्राइमरी में फॉल करेगा? एक सेकंड, एक एक करके बोलो पहला कौन सा। चलो परचेस को डाल देते हैं, और बोलो ऑपरेशन, चलो वही प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन ऑपरेशन, एक ही बात बराबर। और चलो फाइनेंस, ओके। और बोलो गलत तो गलत बोलो, फिर सोचने का तरीका पता चलेगा। मत तुम लोग बोल रहे सेल्स प्राइमरी नहीं है, अभी तक एडमिशन वाला एग्जांपल था तो चीख चीख के बोला था आपका मेन पर्पस एडमिशन लेना, और यहां पे सेल्स तो आई नहीं रहा है। सेल्स क्या नहीं, यहां पे इतना कॉम्प्लेक्स, लाइफ इज इजी, सिंपल सिंपल चीज एकदम बेबी स्टफ। तो प्राइमरी प्रोसेस, अब सोच के देखो ये आता कहां से है। किसी भी कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बचपन से पढ़ते आया ना। तो जो भी कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल आईसीआई बोलते हैं, उसका समाज सेवा है, बोलने का मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल पर्पस, चैरिटेबल पर्पस, वो भी आईसीएआई, बैठता नहीं है पर वो बस बोलने का तरीका होता है, करेक्ट। अल्टीमेटली हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग छोड़ के हर एक ऑब्जेक्टिव का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फाइनेंस में देखो तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट्स, हाँ या ना, करेक्ट। अब प्रॉफिट कमाने के लिए प्राइमरी चीज प्रॉफिट कमाना, हाँ या ना, उसके लिए बोलो क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला सेल्स, सेल्स, क्योंकि वो ही कस्टमर से डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो कंपनी अच्छा करेगा, सेल्स एकदम डन है, गुड आउट। अब सेल्स करने के लिए क्या क्या चाहिए? मतलब भगवान तो नहीं दे देंगे ना ये बेचो, कहां से आएगा? दो तरीका, या तो हम लोग परचेज करके मंगाएंगे ट्रेडिंग कंपनी, या नहीं तो ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग, करेक्ट। तो ये तीन अपना प्राइमरी प्रोसेस है। रीजन, ये पूरा कंपनी का ऑब्जेक्टिव मीट करता है, विच इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और यही तीन प्रोसेस है जो कस्टमर इंटरेक्शन में काम आता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग के केस में, तुम लोगों को किस चीज से मतलब है? पढ़ने से, अच्छा पढ़ाई हो, बुक्स मिले, हाँ या ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बुक्स प्रिंटिंग हाउस से मंगवाया जा रहा है, परचेज, वो तुम लोग को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, यस और नो? बुक्स लेट आएगा तो दिक्कत है, और टाइम लिया है तो अच्छा बात है, खराब प्रिंट हो गया है तो दिक्कत है, पढ़ने में दिक्कत होगा, 2-4 पेज गायब है, करेक्ट। तो परचेज डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है तुम लोगों को। नेक्स्ट ऑपरेशंस, मेन काम है जो हम ये कर रहा है, ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है ऑपरेशंस। यहां पे हो गया ऑपरेशंस, इसलिए वर्ड ऑपरेशन लिखा है, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग नहीं। प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हो जाएगा, सर्विस कंपनी में ऑपरेशन जो आता है, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, जीएसटी पड़ा होगा, करेक्ट करेक्ट, मत बात करिए, छोड़ो, ठीक है। तो ये था अपना ऑपरेशंस, डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है, यस और नो? एकदम डायरेक्टली, करेक्ट। हाँ, फाइनेंस का हम लोग बात करेंगे, एक मिनट में फाइनेंस का बात करेंगे, डायरेक्ट इंपैक्ट किया। थर्ड सेल्स, मतलब उसके बाद ही यहां पहुंचेंगे, सेल्स मतलब एडमिशन वाला प्रोसेस, डन है। तो ये तीन चीज को हम लोग प्राइमरी बोल रहे हैं, क्योंकि ये कस्टमर से डायरेक्टली डील करता है, इंट्रैक्शन विद कस्टमर्स आर इन्वॉल्व। यहां पे वैल्यू एडिशन का बात किया जाता है, मतलब हर कंपनी एक पॉइंट पे वैल्यू क्रिएट कर रहा है तभी वो सक्सेसफुल है, हाँ या ना। अब डोमिनोज इतना हिट क्यों है, या कोई भी कंपनी फॉर दैट मैटर इतना हिट क्यों है, वो कुछ तो अपने फील्ड में अच्छा कर रहा होगा ना। जैसे गाड़ी में कोई सक्सेसफुल कंपनी अगर बता दो कौन, गाड़ी का एग्जाम्पल ले सकता है ना, रोड पे तुम लोग ध्यान देते हुए चलता है ना,
टाटा ले लो, मारुति ले लो, ह्युंडई ले लो, अभी नया नया किया आ गया है, ये सब ले लो, करेक्ट? तो ये लोग कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे तभी ये लोग प्रॉफिटेबल है, हा या ना? हाँ, तो दे आर डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर, ऐसा बोला जाता है। और वैल्यू मतलब, वैल्यू मतलब बोल सकता है? नहीं, वैल्यू मतलब यूटिलिटी या सैटिस्फाई, थोड़ा इकोनॉमिक टर्म्स हो गया। अपने अगर आसान एकदम साधारण भाषा में बात करें, बेबी लैंग्वेज, कस्टमर सैटिस्फैक्शन, नीड पूरा करना, बिल्कुल सही, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल ले लो, कौन, कोई भी महंगा चीज जो तुम लोगों को पसंद हो, आईफोन, ओके, ठीक है, आईफोन कितना पैसा देने को रेडी है उसके लिए? किडनी देने को रेडी है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। एनीवे, किडनी देने को रेडी है, मतलब 1 लाख या उससे भी कम है तुम लोगों का किडनी का वैल्यू, बोलो। परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है, बात भी सही है। सुनो सुनो, आईफोन के लिए हम लोग कितना देने को रेडी हैं? एक नंबर बोलो ना, जितना तुम लोग देने को रेडी होगा एक आईफोन खरीदने वाले। ऑब्वियसली आज का बात नहीं कर रहे हैं, जब तुम लोग कमाने लग गया, मस्त एकदम अच्छा अच्छा जगह जॉब पे जा रहे हैं, उस समय का बात कर रहे हैं। 1.5 लाख प्रो मैक्स, 6,000, चाइना वाला डमी भी नहीं आएगा उसमें तो, चलो 1.5 लाख, ठीक है। अब एक्चुअली 1.5 करोड़ क्या, 150, मेरे को 1.5 करोड़ सुना, बोलो इतना इतना चाहत, सुनो। तो लेट्स से 1.5 लाख देने को रेडी है प्रो मैक्स आईफोन के लिए, आईफोन 1.5 लाख देने को रेडी है। अब एक्चुअल में उसका प्राइस 1.5 लाख है क्या? कितना है उससे थोड़ा सा कम, लेट्स से 1 लाख। अब 1 लाख हम लोग देने को रेडी है और लोग खुशी खुशी लाइन लगा के क्यों खरीदते हैं? नहीं, वो सब सब ठीक है, ब्रांड वैल्यू, गुडविल बहुत अच्छा बात है, लोग सुना है, रेप्यूटेशन अच्छा है, वो सब ठीक है। पर हम लोग 1 लाख तब देने को रेडी होंगे जब वो 1 लाख से ज्यादा का वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, मतलब हम लोग को यूज करके लगे कि हम लोग इससे ज्यादा का सामान यूज कर रहे हैं, हाँ या ना? पैसा वसूल वाला फीलिंग आना चाहिए, इसलिए सेल लगता है तो हम लोग मुंह उठा के चल देते हैं, करेक्ट? क्योंकि उस समय ये फीलिंग आने लगता है कि 100 रुपए का सामान 50 रुपए में मिल रहा है, हाँ या ना? इंडियन माइंडसेट यही है, इसी को बोलते हैं वैल्यू क्रिएशन, करेक्ट? तो ये 3 प्रोसेस जो है, क्या वो वैल्यू क्रिएट कर रहा है? एकदम डायरेक्टली कर रहा है, इसलिए इसको प्राइमरी बोला। अब बाकी 3 का बात करते हैं। आई फील फेस टू फेस लेना चाहिए था, मुझे ज्यादा मजा आता आपसे पढ़ने में। कोई बात नहीं, तुम लोग एकदम आ सकता है, फील फ्री, किसी को भी आना है अगर आ सकता है, और तुम लोग जा नहीं सकते, आने को आ सकते हैं जरूर, मोस्ट वेलकम। तो नेक्स्ट 3 प्रोसेस जो है, नेक्स्ट 3 फाइनेंस, एचआर और मार्केटिंग को अपने सेल्स में डालते हैं, तीसरा वाला हम लोग ऐड कर देते हैं, ये इधर एचआर, फाइनेंस और तीसरा ये सब्जेक्ट आईटी। ये 3 प्रोसेस बोलो, इससे कस्टमर का कोई लेना देना है? कस्टमर को किसी भी तरह से इससे मतलब है कौन सा कंपनी, कौन सा प्रोसेस, क्या चल रहा है? कुछ भी है नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी कंपनी में एचआर है नहीं, ऐसे भी वो कस्टमर के लिए नहीं होती है, वो किसके लिए है? एम्प्लॉयज के लिए, करेक्ट? मैम मेरे को लगता है जब तुम लोग पहली बार एचआर को देखेगा तो सहन कर पाएगा ना? हाँ, जॉब तो किए ही है, और कौन है चार? ठीक है, एचआर एचआर है, तुम लोग के सबके जीवन में एक एचआर आएगी, आएगी होता है, आएगा तो कभी कभी हो जाता है, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, छोड़ो, हो गया यहीं तक, आओ इधर। तो एचआर क्या इससे कस्टमर को कोई लेना देना है? तुम लोग इतना दुखी मत हो, तुम लोग के जीवन में कुछ और आएगा, एचआर नहीं तो क्या हुआ, आएगा आएगा, बोलो। फाइनेंस वाला कोई एकदम ऐसा अजीब सा दिखता हुआ प्राणी ही होगा, तो वो किसी के काम का नहीं है, वो बस फाइनेंस के काम का। इधर आओ, एचआर
कस्टमर के किसी काम का नहीं, दूसरा फाइनेंस, बोलो कस्टमर को इससे कोई लेना देना है क्या? ये कंपनी का डे टू डे ऑपरेशंस इंपैक्ट करता है, मतलब ऐसा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आते उस पर। सेम विथ आईटी, अब इनका बात समझना ये क्या है। सपोज करो किसी कंपनी का फाइनेंसेस ठीक नहीं है तो क्या होगा, वो मैक्स टू मैक्स थोड़ा प्रॉफिट कम कमा पाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा उसको एक्सपेंसेस इनकर करना पड़ जाएगा, यही होगा। पर ऐसा होगा कि वो कंपनी बंद हो जाए? अगर वो गुड प्रोडक्ट जो बहुत अच्छा बना के दे रहा है, कस्टमर बहुत खुश है, पर वो बंद हो रहा है जस्ट बिकॉज उसका फाइनेंसिस ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है वो प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं कमा रहा होगा, हल्का सा कम कमा रहा होगा, पर प्रॉफिट फिर भी कमाएगा। बात समझ पा रहे? तो ये था फाइनेंस का काम। वो डायरेक्टली कस्टमर को कोई मतलब नहीं उससे, वो इंपैक्ट करता है प्राइमरी प्रोसेसेस को। जैसे सपोज करो एचयूएल का एचयूएल कंपनी सुना ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, तो उसका कौन सा प्रोडक्ट यूज करता है डेली लाइफ में? कोलगेट एचयूएल का नहीं है, कोलगेट कोलगेट है, हाँ पेप्सोडेंट एचयूएल का है, वो ही नहीं है, कॉम्पिटिटर है। और क्या बोल रहे, एचयूएल का प्रोडक्ट साबुन कौन सा? वो बोला पल्स, पेयर्स पेयर्स, हाँ सर्व एक्सेल, सर्व एक्सेल एचयूएल का है, लक्स एचयूएल का है, बिल्कुल क्वालिटी वॉल्स एचयूएल का है, आइसक्रीम नॉर सूप एचयूएल का है, हॉर्लिक्स एचयूएल का है, हाँ वाटर फिल्टर प्योरेट है शायद एचयूएल का, प्योरेट एचयूएल का है, तो बहुत फैला हुआ है। हाँ डव है एचयूएल का, सब प्रेफरेंसेस समझ में आ रहे हैं, सब प्रेफरेंसेस समझ में आ रहे हैं, पल्सेस और डव, हाँ पेयर्स भी एचयूएल का है, बिल्कुल करेक्ट। तो इतना सारा प्रोडक्ट्स में एचयूएल का हम लोगों को एक बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं, ये सब रियल लाइफ चीज बता रहे हैं। एचयूएल पता है, अब तुम लोग जब जाएगा किसी कोई बिग बाजार जैसा दुकान से एचयूएल का प्रोडक्ट खरीदेगा, आइसक्रीम वाला ही ले लो, क्वालिटी वॉल्स का ऑरेंज स्टिक खाता है, सभी खाया होगा। अब जब वो खरीदने जा रहे हैं, तुम लोग क्या बोलेगा, आइसक्रीम पहले दे, हम दो महीना बाद 10 रुपया देके जाएंगे? वो बोलेगा साइड हट, हाँ या ना? वो देगा, हम लोग को क्रेडिट मांगने में भी शर्म आएगा। तो उसने डेटर्स सोच के बोलना, एचयूएल के बैलेंस शीट में डेटर्स होगा क्या? क्यों होगा, क्या होगा बताओ, बताओ तो। अरे डिस्कशन है, कोई राइट रॉन्ग नहीं है, कुछ नहीं है। एचयूएल का मतलब वो धांधली होता ना, वो चलता है, चाहिए तो पहले पैसा दो और फिर एचयूएल देगा। कैश रिच बिजनेस, सोच के देखो ना, अगर हम लोग पैसा देके एचयूएल का सामान ले रहे हैं, तो एचयूएल हैज नो रीजन कि कोई भी उसको बोले कि हम 2 महीना बाद आपको पैसा देंगे। अगर हम लोग लेट से बिग बाजार, वो एचयूएल से सामान खरीद रहा है, हम लोग को बेच रहा है, यस और नो? ले रहा है। अगर हम लोग बिग बाजार को पहले पैसा दे रहे हैं, तो बिग बाजार एचयूएल को पहले क्यों नहीं दे सकता है? दे ही सकता है। तो एचयूएल के पास कोई रीजन नहीं है कि वो डेटर्स रखे, और वो नहीं रखता है। बट अब आइसक्रीम में रॉ मटेरियल क्या रखेगा, क्या लगेगा? मिल्क, क्रीम, बर्फ, वो एसेंस, फ्लेवर्स, यही सब लगेगा, रेफ्रिजरेटर्स, यही सब लगेगा, चॉकलेट, हाँ चलेगा, भूख लग जाएगा, छोड़ो, यही सब लगेगा। तो जब अब ये कौन देगा एचयूएल को? कोई सप्लायर्स, वेंडर्स, ये लोग देंगे। एचयूएल तुरंत पैसा देगा या 2 महीना बाद? फॉर एग्जाम्पल 3 महीना बाद कब पैसा देगा? सोच के देखो, अगर तुम लोग सप्लायर है, एचयूएल को बर्फ बेच रहा है, आइस, तो एचयूएल का बाइंग पावर है या हम लोग का बाइंग पावर है? ऑब्वियसली एचयूएल का बाइंग पावर है। वो बोलेगा तुमको देना है तो दो, नहीं तो बहुत लोग है देने के लिए, और वो एग्जैक्टली यही काम करता है। उसके बुक्स में डेटर्स है 0 और क्रेडिटर्स रखता है वो 90 डेज का। आज के दिन सामान मंगवा लेगा, पैसा देगा 90 दिन बाद। इफेक्टिवली अगर तुम लोग होल पिक्चर को देखो, पैसा तुरंत ले लिया, क्रेडिटर को कब दे रहा है? 90 दिन बाद। तो वो 90 डेज के लिए, जो FM पढ़ क्या है, वो 90 डेज के लिए इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमाए जा रहा है, हाँ या ना? हाँ, मतलब HUL इज अर्निंग प्रॉफिट्स बट नॉट ऑन हिज ओन मनी, ऑन क्रेडिटर्स मनी।
बात समझ में आया? इंटरेस्टिंग था या नहीं? और ये एक्चुअल एक्चुअल में करता है, इसको हम लोग रियल लाइफ में बोलते हैं नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। उसका डे टू डे लाइफ में कोई वर्किंग कैपिटल नहीं लगा, जो थोड़ा बहुत है स्टॉक में है, और वो भी इफेक्टिवली वो आता है बेच देता है, करेक्ट? तो उसका कोई वर्किंग, अब ये मत बोलना कैश तो है ही, वो वर्किंग कैपिटल में नहीं कंसिडर करते हैं, कैश इज कैश। तो ये था एक्चुअल, जो एक्चुअल में कर रहा है। अब ये किसका, जो हम नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का एग्जांपल दिया, इसका बोलने का सिर्फ इतना सा मतलब था ये किस डिपार्टमेंट का कमाल है। सेल्स का है, परचेस का है, प्रोडक्शन का है, नहीं, किसका है? फाइनेंस। अब मान लो एक्चुअल ये नहीं करता, उसके मन में बहुत दया आ रहा है, वो क्रिएटर को तुरंत पैसा दे दे, तो इससे क्या होगा? जितना वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कमाता वो नहीं कमा पाएगा। पर इससे ये है कि कस्टमर का डिससैटिस्फेक्शन आएगा, नहीं आएगा, करेक्ट? तो ये था फाइनेंस। प्राइमरी प्रोसेस नहीं है, बट वो जो कर रहा है उससे एक्चुअल का और भलाई हो रहा है, तो इट इज सपोर्टिंग प्राइमरी प्रोसेसेस। बात समझ में 100% फाइनेंस। सेम चीज एचआर। अभी अगर जैसे एप्पल, एप्पल का बेस्ट चीज है R&D, इनोवेशन। हालांकि अभी उसके संग टैग लग गया कि एप्पल इनोवेट नहीं करता है, वो अलग चीज है, उस पर बाद में जाएंगे। पर एप्पल का सबसे जो उसका एक बोलते ना कोर कॉम्पिटेंस या एडवांटेज, वो है उसका इनोवेशन। एप्पल का इनोवेशन किसकी वजह से आएगा? नहीं, इनोवेशन कैसे आता है? क्रिएटिविटी, कुछ नया चीज हम लोग सोच के निकाले, तो वो कौन लेके आएगा? R&D, HR, माने इंप्लॉइज। तो अगर इंप्लॉइज कॉम्पिटेंट है तो क्रिएटिविटी बेटर होगा, क्रिएटिविटी बेटर होगा तो हम अच्छा प्रोडक्ट बना के बेच पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सेल्स को सपोर्ट कर रहा है, हाँ या ना? कर रहा है। तो HR सपोर्ट्स सेल्स या सपोर्ट्स प्राइमरी प्रोसेसेस, करेक्ट? नेक्स्ट, IT का अगर बात करें, मान लो IT नहीं भी लगाए, कोई फर्क पड़ेगा? सेल्स रुकेगा? नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे बात करें, तो लोग बिग बाजार गया होगा शॉपिंग करने, पैंटालून गया होगा, वेबसाइट गया होगा, शॉपर स्टॉप लाइफस्टाइल कहीं तो गया होगा जीवन में। हर जगह तुम लोग सेल्स काउंटर पे देखता है, वो मशीन में से बार कोड स्कैन करता है। क्या वो यूज ऑफ IT? IT माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कुछ बड़ा चीज नहीं है, कंप्यूटर समझ लो। क्या वो शॉपिंग काउंटर पे अपना जो मेन काउंटर पे बिलिंग हो रहा है, क्या वो कुछ ऐसा मशीन यूज कर रहा है जिससे उसका काम इजी हो रहा है? अगर मान लो वो मशीन नहीं यूज करता, बार कोड यूज नहीं करता, तब क्या करते हैं? एक मिनट रुकना, बस ये एग्जाम्पल ले लेता है, फिर क्वेरीज भी लेता है। अगर सपोज करो वो नहीं यूज करता बार कोड, तो क्या होता? लाइन बड़ा लग जाता, टाइम लगता, वो बैठ के कीबोर्ड से टाइप करता है प्रोडक्ट का कोड क्या है, फिर बिल बनाता, सेल करता, हाँ या ना? तो सेल होता पर टाइम लगता, यस और नो? तो IT से क्या, अगेन प्राइमरी प्रोसेस को हेल्प मिल रहा है, फटाफट से सेल्स हो पा रहा है। तो IT, HR और फाइनेंस, ये तीनों प्राइमरी नहीं है पर प्राइमरी को सपोर्ट करता है, नोन एज सपोर्टिंग प्रोसेसेस, करेक्ट? और लास्ट में रहा बात मैनेजमेंट का, उसको वो कुछ नहीं करता है, वो बस शुरू में बता देगा ये करना, और बाद बाकी पूरे साल मूडी खाएगा, मतलब बोलने का मतलब कुछ नहीं करेगा। इसलिए हम लोग उसको फैंसी वर्ड बोलते हैं, सुपरविजन, कंट्रोलिंग और ये सब चीज ज्ञान चाप देते हैं, करेक्ट? इफेक्टिवली कुछ नहीं करता है, सारा काम बेचारे बाकी लोग करते हैं। डन, तीनों प्रोसेस क्लियर है क्या? इस तरीके से अपने पढ़ेंगे और इस तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ तुम लोग कभी भूलेगा नहीं। डन है? बोलो, एक ज्यादा क्वांटिटी में सेल करेगा तब नहीं, मतलब सेल सेल है, बाकी तीन प्रोसेस जो है वो एफिशिएंसी को इंपैक्ट कर रहा है। अगर देखें सेल्स करने का स्पीड को IT इंपैक्ट किया, समझ आ रहा है बात? तो कुल मिला के अगर हम लोग देखें प्रोसेसेस कितने कैटेगरीज के होते हैं, एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस प्रोसेस, एक्सप्लेन वेरियस कैटेगरीज, वो 2 मार्क का, ये 4 मार्क का, कुल मिला के 6 नंबर का क्वेश्चन। व्हाट डू मीन बाय बिजनेस प्रोसेस कैसे करना, ये अपने देख लिए थे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, और उसके बाद क्या करना है, ये रहा 3 टाइप का बिजनेस प्रोसेस, फटाफट से बोलो। अरे बोलो ना, प्राइमरी,
सेकेंडरी मैनेजमेंट, प्राइमरी ऑल्सो नोन एज ऑपरेशनल, क्यों? डे टू डे ऑपरेशन का काम है, परचेज प्रोडक्शन सेल्स, डे टू डे ऑपरेशन है पूरा, तो इट्स ऑल्सो नोन एज ऑपरेशनल प्रोसेस. रहा बात सेकेंडरी, ऑल्सो नोन एज सपोर्टिंग, क्यों? प्राइमरी को सपोर्ट प्रोवाइड किया, सपोर्टिंग, करेक्ट. और थर्ड मैनेजमेंट, वो उसका एक ही नाम है, दूसरा का फायदा नहीं है, करेक्ट. तीन नाम. अब सीधा एग्जाम्पल में आ जाते हैं. पहले बोलो प्राइमरी का एग्जाम्पल, तीन जो अपने देखे, सिंपल, परचेज किया, उसको लेके प्रोडक्शन किया जाएगा और लास्ट में सेल्स किया जाएगा. तो ये तीन अपना परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, इसी के नीचे हम लोग ऑपरेशन लिख देंगे, एंड तीसरा सेल्स. चलेगा? ये था प्राइमरी, बोले तो ऑपरेशनल. नेक्स्ट सपोर्टिंग में बोलो क्या तीन चीज, जिसे कस्टमर को कोई मतलब नहीं है. एचआर तो तुम लोग नहीं भूलेगा, और आईटी एंड फाइनेंस, करेक्ट. एचआर, आईटी, अकाउंटिंग, फाइनेंस, एक ही बात हो गया. अकाउंटिंग फाइनेंस में लिख लो एचयूएल, बगल में नेगेटिव वर्किंग कैपिटल. चलेगा? डन. और आईटी में लिख लो बारकोड स्कैनर, जो हम अपने एग्जांपल देखे ना, हाँ वही बगल में लिखा देते हैं लो, शॉपिंग, ठीक है, तो ये भी नहीं भूलेगा, करेक्ट है. और मैनेजमेंट क्या करेगा, वो सब बजटिंग, प्लानिंग, ये सब काम करेगा. तो बस एक मार्क कर लेते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, प्लानिंग बजटिंग, बस ये दो मार्क करके छोड़ दो, करेक्ट. अब होता क्या है, व्हाट डू दीज मीन, इसका एक लाइन बस ऑलरेडी देख चुके, बस मार्क करा रहे. प्राइमरी या बोले तो ऑपरेशनल प्रोसेस क्या करता है, अरे बोले थे ना, कस्टमर से डील करता है, वैल्यू डिलीवर करता है, यही डिलीवर वैल्यू, बस डिलीवर वैल्यू टू द कस्टमर. इस तरह से बस वर्ड्स को मार्क करना. देखो मार्क करने को हम सब कुछ मार्क करा सकते हैं, पर वो तुम लोग के लिए फीजिबल नहीं है. तो हम एग्जैक्टली वो करवाएगा जो नॉर्मली पढ़ना पॉसिबल हो. सिलेबस हम लोग छोटा करते हुए चलेंगे तो अच्छा लगेगा. अब ये मत बोलना बाकी कटवाई है, नहीं वो नहीं हो रहा है. भैया वैसे आप वो कलर माइक यूज करते हो, आई मीन ऐसे तो आपका हाथ दर्द हो जाता. नहीं नहीं, ऐसे ऐसे करने में मजा आता है, वो कभी वॉल्यूम ऊपर नीचे जाएगा, तुम लोग गलत ले रहे हैं. तो तुम लोग ऐसा ऐसा क्यों, छोड़ो, बैक टू दर माइक पर, नो जोक्स, धरा क्या बोला था. हाँ, प्राइमरी प्रोसेस डिलीवर्स वैल्यू टू द कस्टमर, सिंपल, कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करता है, जो अपने देखे ही थे. कौन सा एग्जांपल था इसमें, अरे आईफोन का 1.5 लाख से 1 लाख, इसीलिए लिखना जरूरी है, समझ गया ना. आईफोन 1.5 लाख का वैल्यू, याद रहेगा, इससे कुछ कुछ चीज याद आते जाएगा, बस उतना ही अपने को चाहिए. डन. सपोर्टिंग प्रोसेस क्या करेगा, प्राइमरी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, बस सपोर्ट वर्ड मार्क कर लो. सपोर्ट कोर प्रोसेसेस, कोर माने प्राइमरी, चलेगा. मतलब ऐसा नहीं होगा ना कि तुम लोग बाद में कभी रिवाइज करा बोले कोर मतलब क्या, प्राइमरी कहीं बस वो अलग तरीके से लिख दिया. तो अगर हम लोग एग्जाम में सपोर्ट प्राइमरी प्रोसेस लिखेंगे वो एकदम चलेगा, मतलब इसमें कोई डाउट भी मत करना, वो एकदम चलेगा, करेक्ट. और मैनेजमेंट का काम कंट्रोल, मतलब मेजर हटाओ, मॉनिटर, या और जो हम लोग पढ़ते हैं सुपरविजन, सुपरवाइजिंग, ये सब मस्त ज्ञान लिख देना, चलेगा ना, सेंस बना. डन. तो बस ऐसे ही अपने को पढ़ना है. बोलो व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस प्रोसेस. अरे बीच बीच में अपने बीच बीच में रिवाइज करते चलेंगे. बिजनेस प्रोसेस में दो चीज देखे थे, सेट ऑफ एक्टिविटीज टू
अचीव एन ऑर्गेनाइजेशनल गोल. परफेक्ट. कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस तीन. पहला प्राइमरी, सेकेंडरी मैनेजमेंट. प्राइमरी ऑल्सो नोन एज ऑपरेशनल, सेकेंडरी ऑल्सो नोन एज सपोर्टिंग, मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज नथिंग. कुछ नहीं उसमें. परफेक्ट. एग्जाम्पल्स प्राइमरी का तीन, परचेस, प्रोडक्शन, सेल्स. और उसके बाद सपोर्टिंग का, सेकेंडरी का एचआर, आईटी, अकाउंटिंग, फाइनेंस. परफेक्ट. मैनेजमेंट का वो ठीक है, प्लानिंग, बजटिंग वगैरह वगैरह, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा. चलेगा? परफेक्ट, एकदम सेंस बन रहा है ऐसे ही. हाँ, कौन सा कैटेगरी है? ये है रीड कैटेगरी. मेरे को बताना था किस तरीके से पढ़ना है. अब रीड कैटेगरी से एमसीक्यू आ जाता है. एमसीक्यू के लिए कैटेगरी नहीं हो सकता कि वो पता नहीं चलता कौन से टर्म में क्या आया. एमसीक्यू कभी लीक नहीं होता है, मतलब पेपर आता नहीं है, पेपर आता नहीं है. वो हम लोग को पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली क्या क्या आया. जो कोई बता देता है उस बेसिस पे हम लोग एनालाइज करते हैं. तो इसलिए इसको लिख लो ऊपर में प्यार से रीड. बोलो कैसा लगा? मजा आ गया. इसलिए हम जो मार्किंग होगा ना वो टॉपिक के बाद कराएगा, कि अगर हम पहले करा देता ना रीड जो तुम लोग चीख चीख के बोला वो नहीं होता. ठीक है ना? चलेगा? छुट्टी? अरे पढ़ी क्या? अरे छोटा सा चीज, छोटा सा, एक इसी से रिलेटेड एक दो चीज है बस. इजी इजी छोटा. बोलो बोलो क्या है ना? पहले ही दिन छोटा कर दिया क्लास. इजी से. अच्छा तुम लोग अगर बोलेगा बीच में छोड़ना, हम छोड़ देगा. इजी दी चीज है, बस सुन तो लो. इजी है, सुनो ना यार, वो एग्जाम्पल से रिलेटेड है इसीलिए. कहाँ गया ये वाला? हाँ सुनो 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 जल्दी. अब जो अपना एग्जाम्पल चला था वो अपने देखे थे, पूरा मैनुअल प्रोसेस था या नहीं था? अब जाके हम लोग फॉर्म ले रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं, फिर वो दे रहे हैं, वो इनवॉइस आ रहा है, पेमेंट कर रहे हैं, ये सब. तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा. हम लोग गए, फॉर्म लिया, वो फिलअप कर रहे हैं. क्या फिलअप करते समय कोई प्रॉब्लम आएगा क्या? सपोज करो मोबाइल नंबर भरना है. मैक्सिमम केस में हम लोग देखते हैं कोई में 9 डिजिट आ जाता है, कोई में 11 डिजिट आ जाता है, मोबाइल नंबर का आ जाता है. अब सोच के देखो 10 डिजिट की जगह 9 या 11 आ गया तो हम लोग एलोकेशन वगैरह कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे. तो वहां दिक्कत है. हाँ या ना? एक नेक्स्ट, ईमेल आईडी तुम लोग कभी सही से लिखेगा? कभी कभी. बहुत केसेस में ऐसा रहता है कुछ उल्टा सीधा ही रह जाता है. करेक्ट. अब ठीक है, नाम वाम तो उल्टा सीधा आ ही जाता है, वो सब छोड़ो. मेन दो चीज अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, क्योंकि उस पर हम लोग को एलोकेशन करना पड़ता है. अगर वो गलत आ जाए आगे का पूरा प्रोसेस गलत होगा. अब वो रियलाइज कब होगा? जब तुम लोग को लगेगा क्लास हो गया, आ क्यों नहीं रहा, आ क्यों नहीं रहा है. एक दिन तुम लोग जाग के बोलेगा क्लास नहीं आ रहा है, तब हम लोग बैठ के देखेंगे कि हाँ ठीक है, ये 9 के जगह 10 के जगह 9 डिजिट आ गया, या ईमेल आईडी में @ आगे वाला चीज है ही नहीं, ऐसा कुछ. करेक्ट. हाँ अभी नहीं जाने, अभी जाने देंगे 5 मिनट में. इतना जल्दी तुम लोग, आज तो कुछ भी नहीं किया. सब तो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था आज. ओह तो डेली सुबह से ही निकलेगा? नहीं नहीं, इसलिए लाइट मूड में ही रहेगा क्लास, डोंट वरी. तो हम बता ना, तुम लोग हंसते खेलते ऐसा इजी इजी एग्जाम्पल में ईएस निकाल देगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस. नेक्स्ट नो. तो पहला प्रॉब्लम ये आएगा, हाँ या ना? हाँ. नेक्स्ट, अब सोच के देखो वही फॉर्म के बेसिस पे हम लोग बैकएंड में, वो लोग एंट्री कर रहा हो अपना, बैठा हुआ सीनियर मैनेजर अग्निश भैया, ये लोग एंट्री कर रहे होंगे, हाँ या ना? नहीं, उनको कंप्यूटर नहीं आता है. बाकी लोग एंट्री कर रहे होंगे, हाँ या ना? कर रहे होंगे. अब 9 डिजिट का वो 8 कर देंगे, ऑलरेडी 9 डिजिट जो तुम लोग से आया वो 8 चिपका देंगे उधर. कभी कभी जब तुम लोग 10 लिखा होगा वो लोग 9 लिख देंगे, उनसे भी तो गलती हो ही सकता है, हाँ या ना? इंसान है, हो ही सकता है, इंसान है, हो सकता है, हाँ या ना? हाँ, इंसान पे एम्फोसिस है, ये मत बोलना जानवर भी होता है क्या. नहीं, अभी बताएगा क्यों. डन, यस और नो? तो एक गलती होने का स्कोप बहुत है. सेम जब पेमेंट का अगर बात करें, इनवॉइस का बात करें, कितना जीएसटी रेट हम लोग पे चुपता है पता है? दर्द बताता है अभी तुम लोग को कितना. हाँ खुश हो कि नहीं, दुख से बोलो 18. आईटीसी क्यों मिलेगा? आईटीसी क्या मिलेगा? ये तो आउटपुट है. हम लोग किससे सर्वे, ऐसा थोड़ी हम सुबह पढ़ के आए यहाँ पर आ रहे. प्रिंटिंग थी, प्रिंटिंग कितना है?
प्रिंटिंग में कितना ITC ले लेगा, और बुक्स पे लगता है 5%, क्या ITC? तो गया उधर टैक्स। अब सोच के देखो, यहां तो ठीक है मजाक वाला मिस्टेक का बात हो रहा था, अगर 9 के जगह वो लोग 5-5 या 6-6, 12 हो गया ना, 6-6% चार्ज कर दे CGST SGST, तब क्या होगा? गवर्नमेंट ये तो नहीं बोलेगा ना आप मजाक में गड़बड़ कर दी, ठीक कर दीजिए, साथ में चिपकेगा पेनल्टी, उसके साथ आएगा इंटरेस्ट, करेक्ट? किस वजह से आया ये? ह्यूमन एरर, 9 के बजाय 6, हाँ या ना? दूसरा, तीसरा गलती, जब पेमेंट में आ जाए 1-0 ज्यादा, किसको दिक्कत? तुम लोग को दिक्कत, और 1-0 कम, तुम लोग के लिए लाइफ इज इजी, हम लोग के लिए कम, क्यों? हाँ मतलब ज्यादा भी तो नहीं होता, ऐसा नहीं है, करेक्ट? पॉसिबिलिटी का बात बता रहे हैं, करेक्ट? तो बहुत सारा एरर प्रोन प्रोसेस होगा या नहीं होगा? होगा, एक्यूरेसी का बंटाधार, हाँ या ना, करेक्ट? तो ये सब ये एक प्रॉब्लम हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस यानी एक्यूरेसी। दूसरा, कितना टाइम लग जाएगा एक पूरे प्रोसेस करने में, एक पूरा एडमिशन लेने में? चलो आधा घंटा, मन का बात बोल रहा है ये दुख से, आधा घंटा, करेक्ट? सोच के देखो, एक जन के पीछे आधा घंटा लग रहा है, तो हम लोग के एंड से देखे तो टाइम बहुत लग रहा है, और स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो आधा घंटा में और कोई क्लास अगर होगा तो जल्दी है, करेक्ट? और नहीं है क्लास तो भाई घर जाने का जल्दी है सबसे ज्यादा, हाँ या ना, क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। टाइम ज्यादा क्यों लगा? इन एफिशिएंसी के वजह से लगा, हाँ या ना? और वही काम जल्दी भी हो सकता था, कैसे अभी देखेंगे, पर हो सकता था, तो यहां एफिशिएंसी का प्रॉब्लम है। तीसरा, अब ये पूरा प्रोसेस करने के लिए हम लोग 3 लोग को बैठा के रखे, गलती तो सुधरा नहीं, 3 लोग को बैठा के रखे, उनको क्या देना पड़ रहा है? सैलरी। तो वो हम लोग के लिए क्या है? एक्सपेंस या कॉस्ट। तो ये प्रोसेस कैरी आउट करने में विच इज एरर, मतलब फुल ऑफ एरर, ऐसा है नहीं, हाँ हम लोग हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो एरर के साथ है और जिसमें इनएफिशिएंसी का प्रॉब्लम है, उसके पीछे कॉस्ट भी लग रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब समझते हैं ना, इकोनॉमिक्स वाला नहीं, इकोनॉमिकल, इकोनॉमी माने कॉस्ट, हाँ। तो अगर इकोनॉमी यहां पे है या नहीं है? टंग ट्विस्टर नहीं है, इकोनॉमी है या नहीं है? नहीं है। तो हम लोग 3 वर्ड डिस्कस किए, बोलो क्या क्या? इकोनॉमी, एफिशिएंसी, ह्यूमन एरर, को हम लोग कुछ बोले थे ई से ही बोले थे, इफेक्टिवनेस, तो 3 E, इफेक्टिवनेस मतलब गलती हो रहा है, एफिशिएंसी मतलब टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, और इकोनॉमी माने कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रहा है, करेक्ट? और ये तीनों चीज क्यों हो रहा है? इंसान के वजह से, ह्यूमन एरर, हाँ या ना? इंसान है तभी यहां गलती हो रहा है, इंसान है जिसके लिए हम लोग को सैलरी कॉस्ट देना पड़ रहा है, और इंसान धीरे धीरे काम कर रहा है, इस वजह से तुम लोग को आधा घंटा लग रहा है। हम लोग, तुम लोग तो इंसान ही रहेगा, रोबोट नहीं बन जाएगा, पर दैट हाफ एन आवर कैन बी रिड्यूस्ड, कम किया जा सकता है, हाँ या ना? तो 3 E's। अब बोले इसको ठीक किया जा सकता है, यस और नो? यस तो कैसे? यूजिंग थोड़ा नॉर्मल, डायरेक्टली AI मत बोल दो, नॉर्मल कंप्यूटर यूज करके, IT यूज करके, करेक्ट? तो बस इसी को हम लोग इस तरीके से अपना सब्जेक्ट यहां पे बनता है, जो डे टू डे लाइफ में हम लोग IT हर जगह देखते हैं, करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे यहां जिस तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं, इसमें भी बहुत सारा IT यूज किया हुआ है, यहां पे अब इलेक्ट्रॉनिक हो गया सब कुछ, जैसे ये मस्त एकदम iPad में यहां पढ़ाई हो रहा है, ये नहीं होता तो पहले वो विजुअलाइजर में भी होता था, अब उसमें थोड़ा दिक्कत होता था देखने में, आंख गाड़ के देखना पड़ता था, 4 डिग्री बोल रहा है, अब -4 का पावर आ जाता था, समझ में आ रहा है? तो इससे कुछ बेटर हो रहा है नहीं हो रहा है? कैसे हो रहा है? ये यूजिंग IT, करेक्ट? एफिशिएंसी बढ़ रहा है, हम लोग ज्यादा पढ़ पा रहे, इफेक्टिवनेस बढ़ रहा है, सही सही चीज जा रहा है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, और इकोनॉमी, इकोनॉमी नहीं है यहां पे, इकोनॉमी नहीं है, ठीक है?
चलेगा। तो अब यही प्रोसेस में तुम लोग बताएगा, मतलब हम यही चाह रहे हैं तुम लोग खुद से ट्राई करो बताने का। तुम लोग बता सकते हैं हम लोग इसमें आईटी कैसे और किस तरीके से यूज कर सकते हैं, एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल यहां पे हम लोग सबसे पहले क्या मिल रहा था, एक फिजिकल फॉर्म मिल रहा था, उसको किससे सब्स्टिट्यूट कर दे, चलो गूगल फॉर्म हो सकता है या वेबसाइट का लिंक हो सकता है, कोई भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, हाँ या ना। और तुम लोग बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भरा होगा, जब मोबाइल नंबर भरता है 9 डिजिट भर के देखो वो लेगा नहीं, वो नेक्स्ट लाइन में जाने नहीं देगा, और 11 लो तो 10 में ब्लॉक कर देगा, 10 के आगे हम लोग एंटर नहीं कर सकते। तो क्या वहीं पे गलती ठीक हुआ या नहीं हुआ? और मान लो तुम लोग बोलेगा, सपोज करो जैसे मेरा वाला है 9230004107, मेरे को देना ही था तो अगर चाहिए तो लिख लो 9230, अरे ठीक है हम लिखा देगा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो 9230004107 फॉर एग्जांपल। अब ये 7 की जगह अगर हम 6 कर दे तो वो तो नहीं पकड़ पाएगा ना, वो पकड़ सकता है क्या? हाँ, बात है कैसे नहीं नहीं होता है, कैसे ओटीपी उधर में आ जाएगा, वैलिडेट ओटीपी, ओटीपी आएगा वो चिपका दो, वैलिडेट हो गया तो नंबर सही है, हाँ या ना। एक गलती सुधरा। सेम चीज ईमेल आईडी में होता है, लिंक फॉर वेरिफिकेशन आ जाता है, उधर में एक्टिवेट करो ईमेल आईडी वेरिफाइड, यस और नो, डन है, ये हुआ। तो इससे क्या अपने आप बाय डिफॉल्ट गलती सुधर रहा है, हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इनवॉइस ऑटोमेटेड, टैली कभी 18 की जगह 12 नहीं ले लेगा, वो अगर उसमें 18 फीड किया हुआ है सेल्स में तो 18 ही लेगा, करेक्ट। वहां पे एरर बचा, उसके साथ पेनल्टी भी बचेगा, इंटरेस्ट भी बचेगा, जीएसटी का लाइबिलिटी आएगा, वो तो ऐसे भी आता, करेक्ट। थर्ड, जब पेमेंट का बात होगा तो पेमेंट प्री डिटरमाइंड नंबर है, उसी का लिंक तुम लोग के पास जाएगा, मस्त एकदम ऑनलाइन पे कर दो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जैसे भी, वहां पे कभी भी ये रिस्क नहीं होगा कि 1-0 ज्यादा 1-0 कम, करेक्ट। हाँ, अब ऑब्वियसली आईटी जब हम लोग यूज करते हैं अलग टाइप का रिस्क वगैरह आता है, वो बाद में बात करेंगे, अभी बहुत बेसिक कैसे आईटी हेल्प करता है वो बात कर रहे हैं। तो बोलो इफेक्टिवनेस बेटर हुआ या नहीं हुआ? गलती ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा 100%। नेक्स्ट क्या था? एफिशिएंसी। अब अगर ऑनलाइन वेबसाइट से एडमिशन लेने कितना ही टाइम लगेगा, 10 मिनट अगर तुम लोग स्लो टाइप करो, फटाफट कर लो, तो वो और भी कम हो जाएगा, हाँ या ना, करेक्ट। तो एफिशिएंसी बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तीसरा, अब जब हर जगह आईटी आ गया तो डोरेमोन का काम है, बोलो बोलो सीनियर मैन, हाँ हाँ नहीं बोलो ना, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ पर यहाँ वाला डोरेमोन नहीं है, ये अपना मैनुअल डोरेमोन है। डोरेमोन का काम है नहीं, सीनियर मैनेजर का मतलब प्राइमरीली नहीं, ऑर्गनीश भैया का मतलब, ठीक है सबको नहीं नहीं बोलने में अच्छा नहीं लगेगा, तो तीन लोग का काम नहीं होता, शायद एक से काम हो जाता, यस और नो? यस। तो पैसा बचेगा या नहीं बचेगा? इकोनॉमी, हाँ या ना। तो जो 3 E's हम लोग डिस्कस किए थे वो बेटर हुआ या नहीं हुआ? हुआ। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, कैसे बेटर हुआ? यूजिंग आईटी। और आईटी क्या कर रहा था? सिर्फ एक चीज करता है आईटी, ऑटोमेट करता है, मतलब काम को सुधारता है, कैसे? ह्यूमन एलिमेंट हटा के, ह्यूमन एलिमेंट खत्म कर देता है तो एरर्स वगैरह खत्म हो जाएगा, उसके वजह से 3 E's इंप्रूव हुआ, यस और नो? एकदम लॉजिकल चीज चला, यही था अपना यहां पे। नहीं समझ आया, एक्सप्लेन वंस, कौन सा पार्ट नहीं समझ आया? इसमें ऐसा कुछ था, हाँ ठीक है हम लोग डिस्कस करते हैं, बताते हैं अभी, बताते हैं, बस ये एंड हो जाएगा। देखो देखो ये देखो, पिछले पेज में एक देखो बीपीएम करके बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का टॉपिक मिला, इसमें कुछ नहीं है, हर बिजनेस प्रोसेस से 3 E's रिलेटेड है, हो गया, एक मिनट बस मार्क कराना मेरे को, बेचैन मत हो ऐसे। 3 E's क्या कर रहे थे हम लोग यहाँ पे? इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी। बगल में वर्ड लिख लो फटाफट, इफेक्टिवनेस का मतलब, अरे बोलो, एक्यूरेसी या एरर्स एकदम कम होना, एक्यूरेसी या
लो एरर्स ऐसा बोल सकते हैं, चलेगा। एफिशिएंसी मतलब टाइमली काम हो रहा है, टाइम कम होना या ज्यादा होना, टाइम कम होना। टाइम कम कैसे होगा, जब स्पीड ज्यादा हो या कम हो, जल्दी जल्दी काम करेंगे तो एफिशिएंसी आएगा, स्पीड इंप्रूव करता है, ज्यादा होता है, हाँ या ना, करेक्ट। थर्ड, इकोनॉमी मतलब क्या, कॉस्ट सेविंग्स, राइट। तो कोई भी बिजनेस प्रोसेस का अपना ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये तीनों, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इसको बेटर करना या खराब करना। बेटर करना, इंप्रूव करना। इंप्रूव क्या, थ्री इज सिंपल सा होगा ना, थ्री इज को अपने को इंप्रूव करना है। क्वेश्चन है कैसे किए, आईटी लगा के, यही अपना नेक्स्ट टॉपिक आया था, उसको बाद इंट्रोड्यूस करना था, हो गया और नहीं जा रहे हैं। बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, इसमें जो हम लोग एकदम डिस्कस किए बस तीन चीज, ऑटोमेशन हो कैसे रहा था, क्या यूज कर रहे थे हम लोग इसमें, आईटी यानी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ऑटोमेशन माने टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी क्या कर रहा था, ह्यूमन एलिमेंट, ह्यूमन एलिमेंट हटा रहा था, रिमूविंग ह्यूमन एलिमेंट, बाय रिमूविंग ह्यूमन एलिमेंट, और ये करने से क्या हो रहा था, थ्री इज अपने आप इंप्रूव हो रहा था, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी बेटर हो रहा था। तो ये रहा पॉइंट नंबर वन, बीपीए क्या है, सॉरी ऑटोमेशन क्या है, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड, यूजिंग टेक्नोलॉजी, उसको यूज करके अपने क्या करते हैं, ह्यूमन एलिमेंट को रिमूव करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। यहां पे तो इकोनॉमी लिखा नहीं है, पर अपने मस्त थ्री इज लिख के आएंगे। थ्री इज क्या होता है, इंप्रूव होता है, हाँ या ना। इसी तरीके से बस पढ़ना है, कुछ ज्ञान नहीं, बस एकदम क्लियर कट कीवर्ड्स। अगर पूछ लेता ऐसा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोमेशन, तो ये तीन पॉइंट लिख दिया अगर, कोई मार्क्स नहीं काट सकता। डन है, क्लैरिटी आ रहा है किस तरीके से अप्रोच करना है, थोड़ा सा कंफर्ट आ रहा है, एक दिन में सारा कंफर्ट तो नहीं आएगा, थोड़ा सा कंफर्ट आ रहा है कि हाँ डूएबल है, हो जाएगा। इस तरीके से एग्जांपल जरा डिस्कस करके करेंगे, डेली लाइफ वाला एग्जांपल होगा, कोई हाईफाई एग्जांपल नहीं, एकदम डेली लाइफ वाला बीबी एग्जांपल, पूरा मस्त एकदम क्लैरिटी रहेगा, कंफर्ट रहेगा। डन, बस ऐसे ही तुम लोग कल आ जाना बुक लेके, बाकी का मेरा रिवाइज हम लोग करते हुए चलेंगे, सब डन हो जाएगा। कितना दुख से क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं मंडे टू सैटरडे, वो हम लोग एक दिन बाद में रिवीजन वगैरह के लिए रखेंगे, मंडे टू सैटरडे, डन, परफेक्ट। और वैसे इस बार खाली ये वीक हम लोग तीन ही रख रहे हैं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ताकि अभी और लोग धीरे 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 जाग रहे आ रहे, इसलिए एक पैरिटी पे आ रहे, नेक्स्ट वीक अपना मंडे टू सैटरडे चलेगा, हाँ कल नहीं, अब वेडनेसडे, करेक्ट। इतना खुश पहले ही दिन, बहुत बढ़िया, बोलो डन है यहां तक, लाइफ इज इजी, चलेगा, चलो बाय। सैटरडे रहेगा, संडे नहीं रहेगा, डेली माने मंडे टू सैटरडे, अभी ओ अरे अभी बस थोड़े लोग को आ जाने दो, आएंगे फिर एक्चुअली, अभी क्या अगर हम तुरंत ही जल्दी में चला देगा ना, तो जिन जो आना चाहते हैं, दो क्लास मिस हुआ वो बस रह जाएगा फिर, इसलिए ठीक है थोड़ा सा टाइम दे देता है ताकि वो लोग आ जाए। नेक्स्ट वीक हम ना मस्त एकदम रॉकेट स्पीड, मंडे टू सैटरडे, चलो बाय बाय।